बच्चों किसी टेक्निकल कारण की वजह से क्लास बंद हो गई थी बीच में, लेकिन आज का जो हमारा लक्ष्य है हम उसको पूरा करके रहेंगे। आज का हमारा लक्ष्य है कि आज की पूरी क्लास में एनिमल पूरा खत्म होना चाहिए। तो बेटा हमने इंडियन ब्रीड पढ़ ली थी, अब हम एग्जॉस्टिक ब्रीड यानी कि विदेशी नस्लों को पढ़ेंगे। विदेशी नस्लों में अगर हम बात करें तो सबसे पहली नस्ल बेटा, सबसे इंपोर्टेंट नस्ल आती है जर्सी। जर्सी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो इंग्लिश चैनल यानी जो इंग्लैंड वाला अंग्रेजी क्षेत्र बेटा, या हम इसको कहें जर्सी द्वीप, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। हाईएस्ट फैट परसेंटेज 5.44% बेटा। जितनी भी नस्लें हैं विदेशी गाय की, उन सभी नस्लों में सबसे ज्यादा वसा परसेंटेज पाया जाता है, या बेटा मैं ये कहूं कि सभी नस्लों में सबसे ज्यादा वसा परसेंटेज जो बेटा है वो जर्सी नस्ल का ही है। ठीक है बेटा, अब आगे देखो। अगर आगे हम बात करें बेटा तो इसमें बेटा ब्राउनस्विस जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान बेटा स्विट्जरलैंड है। आपको सीधा सीधा याद करना है, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है बेटा स्पेशल पॉइंट अबाउट काउ बेटा, गाय के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले बेटा हाइब्रिड डेवलप्ड फ्रॉम एनडीआरआई करना बेटा। आपको बताया गया है कि ये कुछ हाइब्रिड्स हैं, कुछ संकर नस्लें हैं जिनको करनाल से डेवलप किया गया है। इनको करनाल से बेटा क्या किया गया, डेवलप्ड किया गया है। अब उन नस्लों में कौन कौन सी नस्लें आती हैं बेटा, तो देखो सबसे पहली जो नस्ल है बेटा वो करन फ्रिज है। ये हॉरिस्टिन फ्रीजर इंटू थारपारकर से बनी है, याद रखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। करन फ्रिज बेटा किससे बनी है, हॉरिस्टिन फ्रीजर इंटू थारपारकर से बनी है, और ये डेवलप्ड की गई बेटा एनडीआरआई करनाल हरियाणा के द्वारा। अगर हम करन स्विस की बात करें बेटा तो करन स्विस ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल के क्रॉस से बनाई गई है। नेक्स्ट बेटा जर्सिन, या जर्सिन जो बेटा जर्सी इंटू रेड सिंधी की क्रॉस से बनाई गई है। इसके अलावा बेटा आगे देखिए हम, देखो बेटा क्या होता है, मैंने ये तीनों नस्लें जो है बेटा वो तीनों की तीनों नस्लें एनडीआरआई करनाल से क्रॉस करवाई गई हैं, और ये तीनों ही हाइब्रिड नस्ल। हाइब्रिड के बारे में आप जानते होंगे हाइब्रिड नस्लें क्या होती हैं। अब इन नस्लों को देखिए बेटा तो करन स्विस हॉरिस्टिन फ्रीजर इंटू थारपारकर, करन स्विस ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल, जर्सी इंटू सिंधी मिलाकर जर्सिंद बनी है। यहां पर देखोगे लैक्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज 305 डेज बेटा। कह रहे हैं कि जो गाय होती हैं उनका लैक्टेशन पीरियड लगभग 305 दिन का होता है, जिसमें हॉरिस्टिन फ्रीजर का 300 से लेकर 360 दिन और जर्सी का 365 दिन होता है, जो सभी गायों में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट। बच्चों क्लास बंद हो गई थी, कुछ बच्चे आ गए हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता कि क्लास दोबारा से चालू हो गई है। मैंने बताया बेटा आपको कि क्लास आज पूरा एनिमल खत्म करके ही अपन क्लास खत्म करेंगे, बीच में बंद होने का कोई चांसेस नहीं है। तो आप लोग बेटा वीडियो को शेयर कर दें या अपने दोस्तों को भी बता दें क्लास दोबारा से स्टार्ट हो गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। आपके जो ग्रुप्स हैं उन पर शेयर कर दीजिए। अब देखो बेटा अब आते हैं भैंसों की नस्ल में, और भैंस की नस्ल में बेटा सबसे पहली जो बेटा ग्रुप है वो मुर्रा ग्रुप है, मुर्रा डिवीजन। अब मुर्रा ग्रुप का मतलब क्या है बेटा, कल बेटा मैंने जब क्लास ली थी लास्ट क्लास में उसमें मैंने आपको बताया था कि भैंसों को हम डिवीजन वाइज भी बदल सकते हैं, बना सकते हैं, जिनमें सबसे पहला डिवीजन जो मुर्रा डिवीजन आता है, यानी ये मुर्रा प्रकार की नस्लें, इसमें सबसे पहले मुर्रा है, सबसे पहली नस्ल मुर्रा है, या बेटा हम ये कहें ये नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये भारतीय नस्ल है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल बेटा मुर्रा है, और इसका उत्पत्ति स्थान का कहां पर है ये आपको पता है। ये बेटा हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन ब्रीड है,
हाईएस्ट लैक्टोज होता है बेटा इसके दूध में सबसे, बेटा ये गलत है बेटा, इसमें हाईएस्ट लैक्टोज नहीं होता बेटा, ये पॉइंट गलत है, इस पॉइंट को आप भूल जाएंगे। कहां पे याद रखोगे, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन है, इसका उत्पत्ति स्थान पंजाब या दिल्ली है, या बेटा रोहतक या हरियाणा माना जाता है इसका उत्पत्ति स्थान। इसका मिल्क प्रोडक्शन बेटा 1400 से लेकर 2000 लीटर है। इसका एवरेज फैट है बेटा वो 7% एवरेज फैट, यानी कि इसके दूध में लगभग 7% वसा पाई जाती है। दूसरी बेटा जो नस्ल है इंपोर्टेंट बेटा, इसके बारे में कुछ और है, मुर्गा के बारे में कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट है और देख लीजिए, क्योंकि यहां से बेटा पॉइंट यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी जो सींग है बेटा वो मुड़े हुए होते हैं, टर्न होते हैं, इसको घुंडी नुमा सींग कहा जाता है। इसकी जो पूंछ है बेटा, पूंछ के अंतिम बाल जो होते हैं बेटा सफेद होते हैं, लास्ट जो हेयर होते हैं पूंछ के बेटा लास्ट में एकदम वो सफेद होते हैं। तीसरा बेटा इसकी लंबी पूंछ होती है, इसकी पूंछ इतनी लंबी होती है कि जमीन तक टकरा जाती है। सातवें बेटा आप और याद रखोगे, ये नस्ल बेटा भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। अब देखो बेटा नीली रावी की बात करें, ये भी किस ग्रुप की है, मुर्गा ग्रुप की है, मतलब इसके कैरेक्टर भी लगभग मुर्गा के सिमिलर होंगे। इसका नेटिव बेटा पाकिस्तान है, इसकी आंखें सफेद होती हैं, इसे बॉल आईज भी कहा जाता है बेटा। अब याद रखोगे इसकी आंखें सफेद होती है, कंजी आंखें बोला जाता है, इसकी व्हाइट आंखें होती है, इसको बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इसकी आंखें कैसे होती है बेटा, सफेद आंखें होती है इसकी। एक बच्चा पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा फैट किस बफेलो के मिल्क में होता है सर, वेट करो बेटा थोड़ा सा मिल जाएगा अभी आ जाओ। अगर बेटा ये इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट तो आपको मिल जाएगा, मैंने आपको कहा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपन ने यहां पे रखा है। बेटा ये गुजरात ग्रुप की जो नस्ल है उनका उत्पत्ति स्थान का, उसमें कौन कौन सी नस्लें आते हैं गुजरात में, सूरती आती है या सूरत आता है बेटा, तो सूरत गुजरात में, सूरती नस्ल गुजराती में है, जाफरावादी है और महसा है। बेटा तीन नस्लें बेटा किस ग्रुप में आती है, गुजरात ग्रुप में आती है। सूरती नस्ल की बात करें बेटा तो सबसे पहले इसका उत्पत्ति स्थान तीनों का गुजरात ही होगा, इसका भी गुजरात है, इसका भी गुजरात है और इसका भी गुजरात है। अब तीनों की बेटा और अब स्पेशल बात करें तो सूरती नस्ल बेटा अपने सिकल हॉर्न के लिए, मतलब हसिया नुमा सींग के लिए जानी जाती है। इसके जो बेटा सींग होते हैं वो हसिया नुमा होते हैं, दतारी नुमा या हसिया के आकार के सींग होते हैं। जाफराबादी का बेटा वजन के लिए, अपने भार के लिए जानी जाती है, और इसमें इतना भार होता है किसे मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसको मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा बेटा महसाना जो नस्ल है बेटा वो मुर्रा इंटू सूरती क्रॉस से बनी है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये क्रॉस ब्रीड है बेटा, और किसकी क्रॉस से बनी है, मुर्रा इंटू महसाना की क्रॉस से बेटा, सॉरी बेटा मुर्रा इंटू सूरती क्रॉस से क्या बनी है, महसाना। ठीक है बेटा सब कुछ क्लियर हो रहा बेटा यहां तक। नेक्स्ट बेटा भदावरी, ये बेटा यूपी ग्रुप की है, या हमने इसको कह सकते हैं यूपी एंड एमपी। इसका जो बेटा सेंटर है, इसका जो क्षेत्र है वो भिंड जिला, आगरा जिला, इटावा जिला, ये इसका बेटा सेंटर माना जाता है। भिंड जिले का जो भदावर क्षेत्र है वो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। जनरली इसका उत्पत्ति स्थान नेटिव इसका आगरा भी मानते हैं। इसमें हाईएस्ट वसा होती है बेटा, और हाईएस्ट वसा 13% होती है, जो किसी भी भैंस के दूध में, किसी भी गाय भैंस के दूध में पाई जाने वाली वसा का सबसे ज्यादा है। इसकी बॉडी का कलर बेटा कॉपर कलर का होता है, या बेटा हम किसका कहें, ये तांबे के जैसे आकार की होती है। इसके बाल बेटा सुनहरे होते हैं, ये तांबे के जैसी होती है। मिल्क प्रोडक्शन बेटा इसका 2000 से लेकर 2070 लीटर तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फैट परसेंटेज कई बार इसका पूछा गया है, प्लस इसका रीजन भी पूछते हैं, तो भदावर क्षेत्र बेटा इसका रीजन है। क्लियर है बेटा आगे तो। अब बेटा गॉट ब्रीड यानी कि बकरी की नस्लों के बारे में हम बात करने वाले हैं, और गॉट की ब्रीड में भी सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिजीनियस यानी कि भारतीय नस्ल। ठीक है बेटा, भारतीय नस्लों में सबसे पहली और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट नस्ल आती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जमुना।
जमनापारी की बात करें बेटा तो इसका ओरिजिन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली नस्ल या पाली जाने वाली नस्ल है। इटावा में बात करें बेटा तो चकरनगर तहसील में नस्ल पाई जाती है। इसका बेटा ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। ड्यूअल पर्पस ब्रीड का मतलब बेटा ये होता है द्विउद्देशी नस्ल है, इसको मांस एवं दूध दोनों के लिए पाला जाता है। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन, इस नस्ल का दूध उत्पादन सबसे ज्यादा है। प्लस बेटा रोमन नोज, बेटा इस बात को याद रखना, इसका स्पेशल कैरेक्टर है रोमन नोज, या कभी कभार बेटा ऐसे भी देंगे वी शेप नोज। वी शेप नोज बेटा किसका कैरेक्टर है तो आप याद रखना, वी शेप नोज या रोमन नोज बेटा कैरेक्टर है जमुनापारी का। क्लियर है बेटा बात। जमुनापारी की एक और विशेषता होती है बेटा, इसके बड़े बाल, इसके कान जो होते हैं बेटा लंबे एवं लटके हुए होते हैं, और इसके पिछले जोड़ी जोड़ी पैरों पर घने बाल पाए जाते हैं। एक से जो पीछे वाले लेग्स होते हैं बेटा उन पर घने घने बाल पाए जाते हैं, तो इसका एक और इसका कैरेक्टर है। आगे बेटा बर्बरी नस्ल के बारे में बात करेंगे, तो बर्बरी जो नस्ल है बेटा, इसको बेटा था जो बर्बरी नस्ल है बेटा, इसका उत्पत्ति स्थान सोमालीलैंड इन इंडिया, सोमालीलैंड है बेटा। अब देखो बेटा इसके उत्पत्ति स्थान में बहुत सारे कंफ्यूजन है। कई जगह बेटा इसका उत्पत्ति स्थान ब्रिटिश माना जाता है, इंग्लैंड माना जाता है, कई जगह बेटा इसका उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है, यहां तक कि कई जगह पर इसका उत्पत्ति स्थान इटावा उत्तर प्रदेश की है, कुछ लोग हरियाणा भी इसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं। लेकिन बेटा आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि भी इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि बर्बरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। बर्बरी नस्ल का जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपोर्टेंट जो आने वाला पॉइंट है बेटा, वो इसका सिटी गॉट, इसका उपनाम है, इसे बेटा सिटी गॉट या शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। इसे सिटी गॉट या शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। ये शहर में पालने के लिए प्रसिद्ध है। ये खूंटे पे बांधकर खाना खाना पसंद करती है। आकार छोटा होता है, चुस्त शरीर होता है, फुर्तीली नस्ल है। कान इसके छोटे एवं लंबे छोटे एवं खड़े होते हैं बेटा, ये इसकी विशेषताएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल हो जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यही होता है, इसे सिटी गॉट या शहरी बकरी के नाम से जानते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ये बेटा मैं ये कहूँ कि अनगिनत बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद बेटा और नस्लों की बात कर लेते हैं। एक नस्ल है बेटा बीटल, जिसका ओरिजिन बेटा क्या है, पंजाब या हरियाणा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मेल ब्रीड एज ब्रीड बेटा, इसकी जो मेल होते हैं उनमें दाढ़ी पाई जाती है बेटा। इसके मेल में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। अगर बेटा थोड़ा सा आप और देखोगे तो जमुनापारी की फीमेल में दाढ़ी पाई जाती है कभी कभार, लेकिन कभी कभार पाई जाती है, हमेशा नहीं पाई जाती। क्लियर है बेटा। आगे आ जाओ बेटा, सूरती। सूरती जो बेटा नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान सूरत या बड़ौदा है, ये गुजरात में पड़ता है बेटा, पता होगा आपको। मारवाड़ी जो नस्ल है बेटा वो मारवाड़ राजस्थान इसका उत्पत्ति स्थान है। इसमें बेटा याद रखना ये डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीड है। ये ऐसी ब्रीड्स है जो बहुत सारी बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस है, बहुत सारी बीमारियां इसमें नहीं लगती। सिरोही जो नस्ल है बेटा उत्पत्ति स्थान सिरोही डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ये बेटा क्या है, एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। वैसे तो हम सारे ही ब्रीड ड्यूअल पर्पस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा ये भी क्या है, ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, एक द्वि उद्देश्य नस्ल है बेटा। सब कुछ चमक रहा है, सब कुछ क्लियर है यहां तक। कोई समस्या हो बेटा तो आप हमें बताएं, उसका भी समाधान किया जाए। एग्जॉस्टिक ब्रीड बेटा, और एग्जॉस्टिक ब्रीड मतलब विदेशी नस्ल है। और किसकी विदेशी नस्ल है बेटा, बकरी की। बकरी की विदेशी नस्लों में हम बात करें टीगन वर्ग या टोगन वर्ग, इसको ना कहीं कहीं टीगन वर्ग लिखा मिलेगा, टीगन वर्ग या टोगन वर्ग। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है। यह हॉर्नलेस ब्रीड है बेटा, मतलब इसके सींग नहीं पाए जाते। तो आप बेटा याद रखोगे कि इसमें क्या नहीं पाए जाते, इसमें सींग नहीं पाए जाते, ये सींगलेस है। सानेन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों, केवल एक ही क्वेश्चन के लिए बेटा, इसे क्यून ऑफ मिल्क या दूध की रानी कहा जाता है। साथ ही साथ बेटा ये भी याद रख लेना, सानेन का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है। आपसे पूछा जाएगा
किंग ऑफ सॉरी बेटा क्वीन ऑफ मिल्क, दूध की रानी किसे कहा जाता है? तो दूध की रानी कहा जाता है बेटा सानिया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा अंगोरा। अंगोरा जो नस्ल है बेटा वो जानी जाती है इसके बालों के लिए बेटा। हाँ देखो हियर यूज्ड एज वूल नोन एज मोहेयर। नहीं मोहेयर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है मोहेयर किससे प्राप्त होता है, तो अंगोरा नस्ल की बकरी के बालों को मोहेयर कहा जाता है बेटा। मोहेयर किसे कहा जाता है? अंगोरा जो नस्ल होती है, अंगोरा नस्ल की जो बकरी है बेटा, उस बकरी को क्या कहा जाता है? मोहेयर कहा जाता है। क्लियर हो रहा है बेटा? चलिए अब देखो बेटा, अब बात कर रहे हैं शीप ब्रीड्स यानी कि भेड़ की नस्लों के बारे में। भेड़ की नस्लों में ही बेटा इंडिजीनियस ब्रीड या भारतीय नस्लें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टोगनबर्ग मिल्क ऑफ चैंपियन कहा जाता है। सर बिल्कुल बेटा, टोगनबर्ग को चैंपियन ऑफ मिल्क कहा जाता है, लेकिन बेटा क्वीन ऑफ मिल्क जो है बेटा वो सानेन कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा। टोगनबर्ग को चैंपियन ऑफ मिल्क कहा जाता है बेटा, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा ये। और लेकिन बेटा क्वीन ऑफ मिल्क जो है बेटा वो सानेन को ही कहा जाता है। क्लियर है बेटा? आगे सब चोकला, इंडिजीनियस नस्ल में एक नस्ल आती है चोकला। इसका नेटिव जो है बेटा राजस्थान है, और राजस्थान में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट? सीकर, झुंझुनू और चुरू। ये बेटा हॉर्नलेस ब्रीड है, इसको बेटा राजस्थान की मेरिनो नाम से भी जाना जाता है। इसको राजस्थान की मेरिनो नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बेटा? दूसरी है बेटा मारवाड़। अब बेटा मारवाड़ राजस्थान में है, तो नाम से समझ में आ रहा है ये राजस्थान है बेटा। इसका बेटा जो फेस है वो काला होता है, इसका मुंह काला होता है। नेक्स्ट बेटा मालपुरा जो नस्ल है उसका नेटिव बेटा टोंक राजस्थान का, डिस्ट्रिक्ट टोंक राजस्थान का। इस नस्ल को मीट के पर्पस से यानी मांस के लिए पाला जाता है। बड़े जनरल पढ़ने वाले पॉइंट हैं, आपको एक एक बार देखना है। बहुत अच्छे पॉइंटों को लाने की कोशिश की है मैंने, ऐसे पॉइंटों को लेके आने की कोशिश की है कि अगर आप इस वीडियो को एक या दो बार देख लोगे, इसके बाद बेटा अगर आप एग्जाम में बैठोगे, अगर साल भर भी आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आपको एग्जाम में बैठ के ऐसा नहीं लगेगा कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट किया। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने तैयारी नहीं की या अभी ही ट्वेल्थ निकाला इसी वर्ष, और वो एग्जाम देने के पहले प्रिपरेशन कर सके करने के लिए किसी न किसी वजह से चूक गए हैं। तो यहाँ पर बेटा उनके लिए सब कुछ क्लियर है। आप एक बार ये वीडियो देख लोगे, एनिमल के दो वीडियो हमने डाले हैं, लेकिन ये जो वीडियो है हमारे, तो बेटा इसके पहले क्लास हुई थी वो इसी वीडियो में काउंट होगा क्योंकि वो क्लास गलती से रुक गई है। तो अगर आप यहीं से जुड़े हैं तो पहले इसको देखने के बाद बेटा वो क्लास जरूर कंप्लीट करें कि वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। यहां पे देखो बेटा, ये बेटा जो नस्ले है बेटा उसमें जैसलमेर बेटा राजस्थान में आता है, तो जैसलमेर भी राजस्थान की है, बीकानेरी भी राजस्थान की है, और सोनाली भी राजस्थान की है। हम बेटा बात करें तो भेड़ की ज्यादातर ब्रीड जो है बेटा वो राजस्थान की हमको देखने को मिलती है। एक्जोस्टिक ब्रीड यानी कि विदेशी नस्लों में बात करें तो मेरिनो या कालको, दोनों ही बेटा याद रखना। मेरिनो जो नस्ल है बेटा उसका नेटिव बेटा स्पेन है, और ये विश्व में बेटा फाइन ऊन के लिए, बारीक ऊन के लिए जानी जाती है। सबसे ज्यादा बारीक ऊन जो होता है मेरिनो का होता है। और बेटा और एक याद रखेंगे, बीकानेरी बेटा याद रखेंगे, बीकानेरी बेटा देखो बेटा ये पढ़ी थी हमने, बीकानेरी बेटा जो चोकला है ना बेटा वो उपजाती है बीकानेरी। तो बेटा यहां पर याद रखेंगे बीकानेरी या चोकला, चोकला भी बेटा बीकानेरी की ही उपजाती है। तो बीकानेरी बेटा जो भेड़ है, नाम बेटा नाम से समझ में आएगा बेटा कहाँ की है, बीकानेर की है। तो बीकानेरी जो भेड़ है बेटा उसकी ऊन कारपेट बनाने के सबसे पहले, ये देखो बेटा ये बीकानेरी लिखा है यहाँ पे अलग से। कभी कभी बेटा आपको ये भी पूछ लेते हैं कि चोकला क्या है, तो चोकला उपजाती है बीकानेरी की, बीकानेरी की सिलेक्शन से डेवलप की गई है। तो आपको बेटा पूछा जाए, अच्छा बेटा यहाँ लिखा हुआ है आपने पॉइंट, बेस्ट फॉर कारपेट,
बेटा बीकानेरी का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि बीकानेरी की ऊन होती है बेटा वो कारपेट बनाने के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और मेरिनो की ऊन बेटा सबसे बारीक ऊन होती है पूरे विश्व में पाई जाने वाली भेड़ों में, सबसे ज्यादा बारीक ऊन बेटा मेरिनो की होती है। काराकोरम जो भेड़ है उसका उत्पत्ति स्थान सेंट्रल एशिया है, और उसे पेल्ट प्रोडक्शन के लिए यानी कि इसको चमड़ा उत्पादन के लिए पाला जाता है। बात बेटा इतनी सी समझ में आ रही होगी तो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा यहां पे बेटा कुछ चीज आपको समझने के लिए है, समझिएगा। ये बेटा CHWRI अंबिका नगर राजस्थान, CHWRI क्या है बेटा, सेंटर ऑफ सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान बेटा कहां पर है, अंबिका नंबर नगर राजस्थान में है। अंबिका नगर राजस्थान ने ये दो वैरायटियां डेवलप की हैं, या बेटा हम कहें कि दो जातियां डेवलप की हैं, ब्रीड्स डेवलप की हैं। इन ब्रीड्स में बेटा अंबिकालीन है जिसको रेम्बुलेट इनटू मालपुरा से क्रॉस करके बनाया गया है, और अबस्त्रा है जिसको रेम्बुलेट इनटू चोकला के क्रॉस करके बनाया गया। आगे देखो बेटा चाइना हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ गॉड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बेटा चाइना में पूरे विश्व की सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती हैं। यहां तक बेटा वीडियो आप देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ शेयर कर दें, जिससे और ज्यादा आपके भाई बहनों को फायदा हो सके। क्या हो गया बेटा, हमने गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, भेड़ और बकरी की नस्लें पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं पोल्ट्री ब्रीड्स यानी कि मुर्गी की नस्लें। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बेटा आपके लिए क्लास है, सब कुछ चमक रहा है आपको, यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेटा शेयर कर लें सब लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, एफबी पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, सब जगह वीडियो को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो। ये बेटा अगर हम बात करें पोल्ट्री की या मुर्गी की नस्लों को, तो यहाँ मुर्गी की नस्लों को बेटा चार वर्गों में आपके सामने डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अमेरिकन नस्लें, अमेरिकन नस्लों से बेटा क्या तात्पर्य है, ऐसी नस्लें जिनका उत्पत्ति स्थान अमेरिका है वो अमेरिकन नस्लें कहलाती हैं। इससे बेटा रोड आइलैंड रेड आती है, न्यू हैम्पशायर आती है, और प्लाईमाउथ रॉक आती है। बेटा आप यहाँ पे एक चीज देखो, एक कॉमन चीज बेटा, ऐसी याद नहीं होंगी नस्लें, आप एक कॉमन चीज देखोगे, ये जितनी भी अमेरिकन नस्लें होंगी इनका नाम तीन नामों से मिलकर बन रहा है, रोड आयरलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक। ठीक है बेटा, आप याद रखोगे तीन नामों से इनका नाम मिलकर बन रहा है, अमेरिकन नस्लें जो है बेटा तीन नामों से नाम मिलकर इनका बन रहा है। अगर कोई आपसे पूछता है तो अमेरिकन नस्लों को बेटा आप याद रखोगे, ये नस्लें ड्यूअल पर्पस होती हैं यानी कि द्विकादी होती हैं, ड्यूअल पर्पस होते हैं बेटा यानी कि द्विकादी नस्लें बेटा ये। अब देखो बेटा इंग्लिश नस्लें, तो नाम से समझ में आ रहा है ससेक्स, कॉर्नेस, ऑस्ट्रेलिया और डॉर्किंग, नाम से समझ में आ रहा है ये कैसी नस्लें हैं, ये इंग्लिश नस्लें हैं, और इंग्लिश नस्लें बेटा जितनी भी होती हैं वो मीट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं। किसके लिए जानी जाती हैं, मीट। तो वो याद रखोगे अमेरिकन नस्लें किसके लिए, ड्यूअल पर्पस। उसके अलावा बेटा अगर बात करें इंग्लिश नस्लें किसके लिए है बेटा, मीट प्रोडक्शन के लिए है। अब और बात करें बेटा एशियन क्लास, एशियन वर्ग की नस्लें जो है बेटा वो ब्रह्मा, कोचीन और घागस है बेटा, लेक्सांग बेटा घागस भी और लेक्सांग भी है, घागस और बेटा लैंग्स, ये क्या है एशियाई नस्लें हैं। पर एशियाई नस्लें बेटा आपको पूछा जाए कभी तो आप याद रखना मनोरंजन के लिए पाली जाती हैं बेटा, ये ऐसी नस्लें बेटा प्लाइंग प्लेइंग ब्रीड्स हैं बेटा, इनको खेलने के लिए मनोरंजन के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें मेडिटेरियन नस्लें, मेडिटेरियन नस्लों का बेटा मतलब होता है भूमध्य सागरीय नस्लें। अब भूमध्य देखो बेटा अपन ने याद किया तीन नाम वाली कौन सी थी, अमेरिकन थी, दो नाम वाली बेटा आपको सॉरी बेटा इंग्लिश नाम आपको नाम से समझ में आ गया था ऑस्ट्रेलिया, कार्निस, ससेक्स, डॉर्किंग का हो गया। एशियन नस्लें भी आपको समझ में आ गई थी बेटा हम कहां पे एशिया में, भारत एशिया महाद्वीप में है, और नाम देखो बेटा ब्रह्मा, कोचीन, असील, चिटगांव, घागस है ना,
लेंसांग, इवन नाम से समझ में आ रहा है एशियन नस्ल। मेडिटेरियन नस्ल बेटा आप याद रखोगे, इसमें एक नस्ल केवल छोड़ दिया है, व्हाइट लेग हॉर्न। इसका नाम तीन नामों से आता है, तो आप परेशान मत हो जाना बेटा। तीन नाम वाली आपकी अमेरिकन थी, लेकिन यहाँ पे तीन नाम का नाम है और ये भूमध्य सागरीय है, व्हाइट लेग हॉर्न। इसके बाद बेटा मिनोर्का और एनकोना है, स्पेनिश से बेटा। ये कैसी नस्लें? मेडिटेरियन नस्लें हैं, और मेडिटेरियन जो बेटा नस्लें होती हैं वो नस्लें एग प्रोडक्शन के लिए बेटा अच्छी होती है, अंडा उत्पादन के लिए अच्छी होती है। तो आपको बेटा सारी चीजें यहां से कितनी चीजें क्लियर हुई, एक तो सभी आपको वैरायटी क्लियर होंगी या ब्रीड्स क्लियर होगी बेटा। दूसरा आपको एक बात या और याद रखना है, अमेरिकन नस्लें बेटा काय के लिए फेमस है, तो आप कहोगे अमेरिकन नस्लें डुअल पर्पस है। दूसरा बेटा अगर आपसे पूछते हैं इंग्लिश नस्लें काय के लिए फेमस है, तो आप कहोगे इंग्लिश जो नस्लें हैं हमारी बेटा वो सभी की सभी मांस वाली हैं। देखा होगा बेटा आपने पहले बेटा मैच जब हुआ करता है बेटा, तो आप देखो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी होते हैं उनकी कंपेयर में हमारे देश के जो बैटर होते हैं बहुत छोटे लगते हैं। तो हैवी वेट, हैवी वेट से आप बेटा इसके लिए मीट प्रोडक्शन। तीसरा बेटा याद रखोगे कि जितनी भी एशियाटिक ब्रीड है, एशियाई नस्लें हैं बेटा, वो सभी मनोरंजन, ज्यादातर नस्लें मनोरंजन के लिए पाली जाती है बेटा, या फिर कोड़ा कमा होती है, यानी कि अंडे सेने के काम में आती है। भूमध्य सागरीय नस्लें बेटा अंडे देने के लिए सबसे अच्छी हैं। भारतीय नस्लों की बात करेंगे बेटा, तो आप बताना कि भारतीय नस्लें अंडे सेने के लिए एवं बच्चे पालने के लिए सबसे अच्छी है। बेटा भारतीय माए ही बच्चे को पाल सकती हैं, भारतीय नस्लें ही बच्चे को पाल सकती हैं, इसके अलावा कोई दूसरी नस्लें नहीं है जो बच्चों को पाल सके। तो सारी चीजें बेटा आपको चमक रही हैं, एक बार लिख के भेजिए, ओके। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए बेटा, कुछ नस्लों को बेटा क्लासिफाइड किया गया है यहाँ पे, जैसे उसमें बेटा रोड आयरलैंड रेड है। इसके बेटा आप नेटिव की बात करें तो इसका नेटिव जो है बेटा न्यू इंग्लैंड है या इंग्लैंड है बेटा। ये डुअल पर्पस ब्रीड है बेटा, चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं RIR रोड आयरलैंड रेड बेटा अमेरिकन नस्ल है, और अमेरिकन नस्लें सारी डुअल पर्पस होती हैं। प्लाईमाउथ रॉक, तीन नाम हो गए बेटा। अब तीन नाम हो गए तो बेटा क्या हो गए, विदेशी हो गई, अमेरिकन हो गई, और ये भी बेटा क्या होगा, डुअल पर्पस है। बेस्ट फॉर मीट, वैसे तो मीट के लिए बेस्ट है, लेकिन साथ साथ ये डुअल पर्पस वैरायटी भी है। व्हाइट लेग हॉर्न बेटा ये इंपोर्टेंट नस्ल है। इंपोर्टेंट कैसे हो जाती है, क्योंकि इसका क्वेश्चन बेटा ज्यादातर पूछा जाता है। व्हाइट लेग हॉर्न का बेटा उत्पत्ति स्थान इटली है। हाईएस्ट एग प्रोडक्शन बेटा, एग प्रोडक्शन इसका सबसे ज्यादा है, टोटल विश्व में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करती है। अब आपको बेटा बताना यह है कि इसका अंडा उत्पादन कितना है, यह आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने बता दिया तो बेटा मैं मानूंगा कि आपको समझ में सब कुछ आ रहा है। आगे देखो बेटा, रेड कॉर्निस बेटा, रेड कॉर्निस का उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड है, और ये मीट के लिए फेमस है बेटा। यहां बात करें बेटा, कॉर्निस का मीट उत्पादन सबसे ज्यादा है, सबसे भारी मुर्गी की नस्ल है, सबसे ज्यादा मीट देने वाली नस्ल मुर्गी बेटा क्या है, कॉर्निस। क्लियर हो रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है बेटा? तो आगे चलते हैं। आ जाओ बेटा, कुछ बेटा इंडियन ब्रीड्स के बारे में ही बात की है बेटा, भारतीय नस्लों के बारे में बात की है। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें कड़कनाथ की, किसकी बात करें, कड़कनाथ की, तो बेटा इसको कालामासी भी कहा जाता है। कालामासी यानी इसका मांस बेटा कैसा होता है, काले रंग का होता है, इसका खून काले रंग का होता है। ये इंपोर्टेंट बेटा नस्ल इसलिए हो जाती है कड़कनाथ, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की तो बहुत फेमस नस्ल है ही, साथ ही साथ बेटा ये नस्ल मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाई जाती है बेटा। कहां पर पाई जाती है, झाबुआ जिले में पाई जाती है, धार और झाबुआ जिले में, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाई जाती है बेटा। ये धार एवं झाबुआ जिले में पाई जाती है, इसलिए ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। ये हमारे देश के लिए, हमारे नस्लों में बेटा कड़कनाथ नस्ल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ बात करेंगे बेटा
देवड़ा में। ये देवड़ा प्रतापधान, ये डुअल पर्पस ब्रीड है, इट इज ब्रीडिश चिकन रिलीज ब्रीड एमपीयूटी लुधियाना। मत ये बेटा एमपीयूटी क्या बेटा, लुधियाना उदयपुर बेटा यूनिवर्सिटी है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बेटा ये कहां पर है, उदयपुर में है और उदयपुर से ये नस्ल निकाली गई है। स्पेशली बेटा ड्यूअल पर्पस ब्रीड है, बहुत उद्देश्य नस्ल। कड़कनाथ बेटा बहुत अच्छे से याद रखना, मध्य प्रदेश के झाबुआ में पाली जाने वाली नस्ल है। इसका जो मीट होता है बेटा वो स्वादिष्ट होता है, इसका मीट काले रंग का होता है, इसका खून भी काले रंग का होता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट जो मांस होता है वो कड़कनाथ का मिलता है आपको, तो इसको बेटा बहुत अच्छे से आपको याद रखना। आगे देखो बेटा ये वाला चैप्टर भी क्लियर हुआ आपका, ब्रीड्स वाला चैप्टर बेटा हमने कंप्लीट कर लिया, ब्रीड्स ब्रीड्स वाला बेटा चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और अगला चैप्टर बेटा हमारा एनिमल ब्रीडिंग है। इस चैप्टर को बेटा कंप्लीट करवाने के साथ साथ मैं आपको जरूर बोलूंगा बेटा इस चैप्टर को कंप्लीट करें, और अगर कुछ भी इस चैप्टर में समझ में नहीं आता तो इस चैप्टर का वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है एनिमल ब्रीडिंग के नाम से, आप उसको देखोगे बेटा उसमें मैंने टोटल एनिमल ब्रीडिंग को एक घंटे की क्लास में कंप्लीट किया है और इतने अच्छे लेवल से कंप्लीट किया है कि आपको वहां सब कुछ समझ में आ जाए। यहां पर बेटा देखोगे एनिमल ब्रीडिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो लिखा बेटा इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव मेटिंग ऑफ एनिमल विद डिजायरेबल जेनेटिक ट्राइट्स टू मेंटेन और एनहांस दीज ट्राइट्स इन फ्यूचर जनरेशन। बेटा कह रहे हैं कि ब्रीडिंग क्या होती है, सिलेक्टिव मेटिंग मेथड। बेटा सिलेक्टिव मेटिंग मेथड का मतलब बेटा यह है कि आप जिस एनिमल को सिलेक्ट किया है, जिस एनिमल से जिस गाय भैंस को जिस नर से मिलाना चाहते हो सिलेक्ट करके रखा हुआ है। क्यों बेटा, जिससे डिजायरेबल जेनेटिक चेंजेस हो सके, जो हम चाह रहे हैं वो चेंजेस हो सके, और वो चेंजेस बेटा मेंटेन हो सके और इनहेरेंस हो सके, मतलब बढ़ सके फ्यूचर जनरेशन में, मतलब आगे वाली जनरेशन में जा सके। बात समझ में आ रही है बेटा। आगे देखोगे कभी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन का यहां से सर मैं राजस्थान से हूं, एमपी बोर्ड क्लास 12th एग्रीकल्चर का स्टूडेंट। बेटा राजस्थान से हो फिर आप एमपी बोर्ड स्टूडेंट कैसे हो गए? विनोद कुशवा राजस्थानी बेटा। बेटा एमपी बोर्ड से राजस्थान में एमपी बोर्ड चलता है क्या? चलिए बेटा यहां पर अगर हम टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग की बात करेंगे तो पहले तो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, इस क्लास के खत्म होते ही आप एक बार बेटा चैनल पे जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ब्रीडिंग के, बेटा वीडियो डले हुए हैं वहां से आपको ब्रीडिंग इतने अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ब्रीडिंग से बेटा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ठीक है बेटा आगे देखो बेटा, बेटा ब्रीडिंग की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती तो समय बर्बाद ना करो आप उसमें, और आपको समझना है तो मैं आपको बता चुका हूं बेटा आप वहां पे आके समझ लेना, मैं समझा देता बेटा अगर उसका आने के चांसेस होते, कभी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। ब्रीडिंग में दो तरह की होती है, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग, ये समझने लायक चीज है तो इसको समझो। इनब्रीडिंग क्या होता है बेटा, ब्रीडिंग कितने तरह की, दो तरह की, यहां समझ लो बेटा, पहले ब्रीडिंग समझो एक इनब्रीडिंग और एक आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या होता है, जब ब्रीडिंग करवाई जाए सबसे पहले तो दो बातें याद रखनी है, एक तो जो ब्रीडिंग करवाई जा रही है वो ब्रीडिंग करवाए जाने वाले पशु एक ही परिवार के होने चाहिए, रिलेटेड एनिमल होने चाहिए और 5 पीढ़ी से अंदर के होने चाहिए। 5 जनरेशन से अंदर के होने चाहिए पहली चीज, दूसरी वो एक ही परिवार के होने चाहिए। इसके बाद बेटा आउटब्रीडिंग की हम बात करें तो पहली बात तो बेटा ये एक परिवार के कुल के नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरे बेटा वैसे तो एक जाति के भी नहीं होनी चाहिए, एक परिवार एक कुल एक जाति के नहीं होने चाहिए,
लेकिन अगर एक जाति के हैं तो वो असंबंधित होने चाहिए, यानी कि उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, और वो पांच पीढ़ी से ज्यादा से असंबंधित होने चाहिए, मतलब कम से कम पांच पीढ़ी से बाहर के पशु। समझ में आया मेरे इतनी सी बात? अब यहाँ पे इनब्रीडिंग की देखें मैडम, तो इनब्रीडिंग मेथड ऑफ मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स, वो कह रहे हैं कि इनब्रीडिंग मेथड इंडिविजुअल्स में दो पशुओं को मिलाने की इनब्रीडिंग मेथड को बोल समझते हैं। इनब्रीडिंग मेथड में दो तरीके की होती है, एक क्लोज ब्रीडिंग और एक लाइन। क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग से क्या तात्पर्य है? क्लोज मतलब बेटा नाम से समझ में आता है बहुत ज्यादा पास के, क्लोज है मतलब बहुत ज्यादा पास के हैं। जब दो ऐसे पशुओं में क्रॉस करवाया जाए जो दो पशु बहुत ज्यादा पास के हैं, बहुत नजदीकी पशु हैं, उन पशुओं के क्रॉस मेथड को क्रॉसिंग कहा जाता है या क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। मेटिंग ऑफ फुल सिस्टर टू फुल ब्रदर, बहुत नजदीक वाले पशुओं में एक ही माँ या पिता से प्राप्त होने वाली संतानें, जो आपस में भाई बहन हैं, उनका आपस में क्रॉस करवाना। दो ऐसे पशु जो एक ही गाय भैंस से प्राप्त हुए हैं, उनका आपस में क्रॉस करवाएं। या सायर टू हिज डॉटर, या किसी सांड का क्रॉस उसकी पुत्री से, उसकी बच्ची से, उसकी जो हाल ही बच्ची बचा हुआ है उससे, है ना। या बेटा किसी माँ का क्रॉस किसी फीमेल काल्फ का, फीमेल काउ का क्रॉस उसके ही पैदा होने वाले सन से बछड़े से करवाया जाए। इसमें बेटा मोर देन 50% सिमिलरिटीज होनी चाहिए, यानी कि 50% से ज्यादा इसके ब्लड का करेक्टर जो है बेटा एक ही नस्ल का या सेम नस्ल का होना चाहिए, ऐसे क्रॉस को बेटा क्लोज ब्रीडिंग कहा जाता है। लाइन ब्रीडिंग बेटा ये देखो बहुत पास के पशु है, दो पीढ़ी के अंदर के पशु, दो पीढ़ी बेटा माँ पुत्र पिता पुत्री भाई बहन, दो पीढ़ी से अंदर के जब पशुओं में आपस में संबंधित पशुओं में जब क्रॉस कराया जाता है बेटा तो उसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। और जब यह क्रॉस दो पीढ़ी से पांच पीढ़ी तक के संबंधित पशुओं में होता है तब बेटा हम इसे आउटब्रीडिंग कहते हैं। तब बेटा इसे क्या कहते हैं? आउटब्रीडिंग। क्लियर हो रहा बच्चे? बच्चे क्लियर हो रहा है? हाँ बेटा। लाइन ब्रीडिंग बेटा क्लियर हुआ। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो पीढ़ी से बाद के पशु में आपस में क्रॉस कराना है। इसका ऑब्जेक्टिव बेटा होमोजाइगोसिटी बढ़ाना और हेटरोजाइगोसिटी को कम करना है, सम युग्मता बढ़ाना है और विषम युग्मता को बेटा कम करना है इसका ऑब्जेक्ट। तो यहां तक बेटा सब कुछ क्लियर हुआ। आगे चलो, आगे देखोगे बच्चे आउटब्रीडिंग। तो आउटब्रीडिंग क्या होता है बेटा? प्रोसेस ऑफ मेटिंग टू अनरिलेटेड एनिमल्स एंड एडिटिंग इंक्रीजिंग हेटरोजेनिसिटी। जब मैं आपको बता चुका हूं जब दो ऐसे पशु में क्रॉस कराया जाए जो आपस में असंबंधित है, जो बेटा आपस में असंबंधित है, उनका कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे क्रॉस को बेटा आउटब्रीडिंग कहा जाता है। बच्चे एक से दो पीढ़ी क्लोज में और तीन से पांच पीढ़ी लाइन, ठीक है बच्चे? चलिए क्लियर हो रहा है बेटा? ये डाउट था एक बच्चे का, आ जाओ। आउट क्रॉसिंग की बेटा हम बात करें, इसमें इसकी बहुत सारी मेथड है, आउट ब्रीडिंग की बहुत सारी मेथड है। इसमें आउट क्रॉसिंग और आउट ब्रीडिंग दो मेथड है, पहले आप समझ लीजिए। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड 4 to 6 जनरेशन, बेटा 4 को हटा दो, यहां पे 5th to 6 जनरेशन प्योर ब्रीड एनिमल विद सेम ब्रीड्स। देखो बेटा जब पांच पीढ़ी से अंदर के पशुओं का आपस में क्रॉस कराया, पांच पीढ़ी से कम आयु के पशु हों, पांच पीढ़ी से कम गैप के पशु हों, तो उनके प्रजनन को बेटा कहा जाता है इनब्रीडिंग। और जब पांच पीढ़ी से ज्यादा के पशु हों तो उनके प्रजनन को कहा जाता है आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग दो तरीके का था, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। क्लोज ब्रीडिंग में एक से दो पीढ़ी के पशु थे, लाइन ब्रीडिंग में तीन से पांच पीढ़ी के पशु हैं, लेकिन संबंधित थे, एक ही नस्ल के थे। आउटब्रीडिंग पहले तो ये कहता है कि दो अलग अलग नस्लें हैं,
लेकिन अगर एक नस्ल है भी तो वो नस्ल पांच पीढ़ी के बाद की हो। मतलब बेटा आउट क्रॉसिंग का मतलब ये यही है, सेम नस्ल जो पांच पीढ़ी से बाद की है उनका आपस में क्रॉस कराना बेटा आउट क्रॉसिंग कहलाता है। क्लियर है बेटा? एक ही नस्ल होनी चाहिए, नस्ल सेम होनी चाहिए, नस्ल अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब बेटा क्रॉस ब्रीडिंग की बात करते हैं, तो क्रॉस ब्रीडिंग बेटा डिफरेंस ब्रीड्स बेटा दो अलग अलग ब्रीड्स का आपस में क्रॉस कराना, ये कई सारे तरीके का होता है, जिसमें क्रिस क्रॉसिंग की बात करते हैं, ट्रिपल क्रॉसिंग की बात करते हैं और बैक क्रॉस की बात करते हैं। जल्दी तीन तरीके इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिस क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग और बैक क्रॉसिंग। जब ध्यान रखना बेटा, जब टू अदर ब्रीड्स का, टू डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स का दो अलग अलग नस्लों का आपस में क्रॉस कराया जाएगा तब उसको बेटा हम कहेंगे क्रिस यानी ड्यूअल क्रॉस। जब बेटा एक साथ तीन ब्रीड्स को आपस में लिया जाएगा तब ट्रिपल क्रॉस। और बेटा जब किसी एक ब्रीड का क्रॉस करवाया उससे जो संतान पैदा हुई उस संतान का क्रॉस उसके बैक वाले पशु से यानी कि मेल या फीमेल किसी से भी करवाया इसे बेटा बैक क्रॉस कहते हैं। किसी भी पेरेंट से जब क्रॉस करवाया जाता तब बेटा उसे क्या कहा जाता है? बैक क्रॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चे? सर ट्वेल्थ को लाइव लेकर आएंगे, ट्वेल्थ को लाइव लेकर आएंगे प्लीज। हाँ सर लाइव आओ क्लास में, क्लास ट्वेल्थ में, क्लास ट्वेल्थ में लाइव आएंगे दीपावली के बाद। ठीक है बेटा, कोशिश करेंगे कि 16 तारीख को आपका एग्जाम है पीएटी वालों का, 17 तारीख से लाइव आ सकें। लेकिन 17 से अगर लाइव नहीं आ पाते हैं क्योंकि 17 से लेकर केवल 22 तारीख तक, 21 तारीख तक क्लास होंगी, उसके बाद छुट्टियां लग जाएंगी बेटा आपकी। तो अगर 17 से 21 तक लाइव लेते भी हैं तो लाइव ले सकते हैं, नहीं तो दीपावली बाद बेटा सीओटी से आपकी क्लास चालू हो जाएगी लाइव। आप तैयार रहें, टाइम आपका वही है, या तो 5 बजे से होगी या 7 बजे से स्टार्ट होगी, तैयार रहें। ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, बहुत मन से पढ़ रहे हो बेटा। और बेटा मन से अगर पढ़ोगे तो इसका फल भी मिलेगा। मैं आपको बोल चुका हूं कि एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला, यही से एग्जाम है। नेक्स्ट बेटा स्पीसीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेटा, एक बेटा हमने पढ़ा पहला क्रॉस आउट क्रॉसिंग, फिर हमने पढ़ा क्रॉस ब्रीडिंग, फिर हम पढ़ने वाले हाइब्रिडाइजेशन। ये बेटा हाइब्रिडाइजेशन बहुत काम का है, क्वेश्चन कई बार इससे पूछा गया है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब मेल और फीमेल दो डिफरेंट स्पीसीज के हो, ये क्या है सर? ये बेटा बहुत याद रखने वाली बात है। अभी तक बेटा हम केवल और केवल एनिमल एक ही था, उसकी ब्रीड चेंज कर रहे थे। अब एनिमल ही चेंज हो जाएगा तो डिफरेंट जीनस के या डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल। मतलब बेटा हो सकता है बेटा, जैसे यहां पर मूल एक बेटा ब्रीड बनी है, जो बनी है फीमेल हॉर्स और मेल डंकी की क्रॉस से। तो ये बेटा क्या है इसमें? देखो तो एक हॉर्स है, एक डंकी है, एक घोड़ा एक गधा। आगे आ जाओ बेटा, हेट्रोसिस और हाइब्रिड बगैर क्या होता है? पहले बेटा यहीं पर समझ, जब बेटा दो अलग अलग जाति के, दो अलग अलग वंश के पशुओं को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो एक नई संतान का जन्म होता है। एक घोड़े का और एक गधे का क्रॉस कराया गया तो मूल का क्रॉस हुआ, एक नस्ल नई बनी। ये जो नस्ल होती है बेटा वो कैरेक्टर में अपने पिता और मां, ये जो नई नस्ल बनी हाइब्रिडाइजेशन बेटा, ये ध्यान रखना, ये केवल किसके फलस्वरूप बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करवाई जाती है, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस दो अलग अलग स्पीसीज में होगी, दो अलग अलग जातियों में होगी। जब दो अलग अलग जातियों के पशुओं के बीच आपस में क्रॉसिंग करवाया जाएगा तो क्रॉसिंग के फलस्वरूप बेटा जो संतान पैदा होगी वो संतान कैरेक्टर्स में अपने मां और पिता दोनों से अच्छी होगी। वो कैरेक्टर में अपने मां और पिता दोनों से अच्छी होगी
संतान में पाए जाने वाला ऐसा गुण बेटा हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर कहलाता है। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति जो अपने माँ और पिता दोनों से अच्छी है, उस शक्ति को बेटा क्या कहा जाता है, हाइब्रिड विगर कहा जाता है या हेट्रोसिस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया बच्चों आपको। क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम टू स्पीसीज इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ये वही कह रहे हैं कि दो अलग अलग स्पीसीजों के बीच क्रॉस कराना, दो अलग अलग जाति के बीच क्रॉस कराना बेटा क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों क्लियर है यहां तक सब कुछ? कोई डाउट्स बच्चों? अब देखो ये मेथड बेटा बहुत इंपोर्टेंट है, ग्रेडिंग अप बेटा क्या होता है समझ लो। ग्रेडिंग अप बेटा इसमें जो क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है उसको आप बेटा ऐसे समझोगे, पहले तो बेटा इसमें से जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि सामूहिक सुधार की, ग्रुप में पशुओं के सुधार की मेथड कौन सी है। तो ग्रुप में पशुओं के सुधार की जो मेथड है बेटा, जो ग्रुप में टोटल ग्रुप में बेटा, जैसे ग्रुप में कैसे सपोज करो बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे बेटा एक नस्ल है, अभी अपन बात कर रहे थे भदावरी जो बेटा नस्ल है वो नस्ल का उत्पत्ति स्थान भदावर है, मूल क्षेत्र उसका क्या है, भदावर है। ठीक है बेटा, भदावर क्षेत्र या हम इसको कहें बेटा मध्य प्रदेश का चंबल रीजन या मध्य प्रदेश का बेटा भिंड जिले और आगरा इटावा क्षेत्र। इस जिला में बेटा नस्ल पाई जाती थी, एक भदावरी पाई जाती थी, मैं इसलिए कहूंगा बेटा कि अब ये नस्ल लगभग अपने यहां से इसकी प्योरिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। प्योरिटी बेटा खत्म क्यों हुई है, प्योरिटी खत्म होने का बेटा जो कारण है वो कारण ये है कि अनियंत्रित ब्रीडिंग जब करवाई जाती है, जब ब्रीडिंग पे कोई नियंत्रण नहीं रहता तब बेटा नस्ल बिगाड़ हो जाता है, नस्ल बेकार हो जाती है, नस्ल खराब हो जाती है। ये जो नस्ल खराब हो रही है, कभी एक गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई कि दोबारा से चंबल रीजन में, चंबल क्षेत्र में दोबारा से हम क्या करें, इस ऐसे कुछ काम किया जाए जिससे दोबारा से चंबल क्षेत्र में भदावरी नस्ल का विकास हो जाए, तब बेटा गवर्नमेंट स्कीमें, गवर्नमेंट योजनाएं आएंगी और इस पर्टिकुलर पूरे क्षेत्र में दोबारा से भदावरी नस्ल के विकास के लिए, चूंकि हमारा क्षेत्र बेटा भदावरी नस्ल, मैंने यहीं पर क्यों बोला, भिंड जिले में ही, ग्वालियर में ही, आगरा में ही क्यों बोला, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अकॉर्डिंग टू भदावरी है। और अगर हम ये चाहते हैं कि भदावरी दोबारा से डेवलप हो तो केवल यहीं पर हो सकती है क्योंकि ये क्षेत्र भदावरी है, तब बेटा यहाँ पर एक निश्चित कुछ गाँव को पहले सिलेक्ट किया जाएगा और उन गाँव में पाई जाने वाली सभी भैंसों को जब उनका प्रजनन कराया जाएगा तो केवल और केवल भदावरी नर से ही कराया जाएगा। ऐसा करते करते बेटा धीरे धीरे सात पीढ़ी में बेटा 7-8 जनरेशन, बेटा यहां पे लिखा हुआ है 7-8 जनरेशन के अंदर वो जो एनिमल है, वो जो ब्रीड है वो प्योर ब्रीड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे बेटा हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई बेटा? इसमें बेटा क्रॉस विद प्योर साय, बेटा प्योर साय यानी प्योर नर का क्रॉस, प्योर मेल का क्रॉस, यहां पर नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल, जिसका कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, कोई बेटा कुछ उस नस्ल का नाम ही नहीं है, बेकार नस्ल हो गई, कोई कैरेक्टर उसमें सही नस्ल के नहीं बचे, ऐसी नस्ल के साथ करना बेटा क्रॉस क्या कहलाता है, ग्रेडिंग अप के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई बच्चों? इसमें बेटा ये आपको याद रखना है, इसमें पूछा जाता है कि ग्रेडिंग अप में 7 पीढ़ी में बेटा क्या होते हैं, जनरेशन में जो कैरेक्टर होते हैं वो 99.22% कैरेक्टर आ जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है किसी भी जनरेशन का, वो पूछ सकते हैं कि थर्ड जनरेशन में कितने कैरेक्टर होंगे, फोर्थ में कितने होंगे। तो बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप कैसे निकालोगे, आपको निकालना है बेटा, आपको कैसे निकालना है, नॉन डिस्क्रिप्टिव परसेंटेज ऑफ नॉन डिस्क्रिप्टिव का मतलब बेटा यह है खराब नस्ल का ब्लड,
बेटा आप मुझे बताओ, अगर मैं ये पूछना चाहूं कि अच्छा ब्लड कितना है, तो 100 में से खराब ब्लड हटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। बेटा मैं कहूं कि किसी नस्ल में 25% ब्लड खराब नस्ल का है या 25% ब्लड ऐसा है जो किसी अच्छी नस्ल का नहीं है, तो बताओ बच्चों अच्छी नस्ल का कितना बचा? 75। 100 में से 25 घटा दिया, 75 बचा। तो यहां पर बेटा खराब नस्ल का ब्लड निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, खराब नस्ल का ब्लड बेटा ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, डिस्क्रिप्टिव परसेंटेज बराबर होता है बेटा 100/2 की पावर n। क्या है बेटा? यहां पर n पीढ़ियों की संख्या। जैसे बेटा आपसे कहा कि चौथी पीढ़ी में ब्लड परसेंटेज कितना, तो चौथी पीढ़ी का मतलब बेटा 100/2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब बेटा 16 होता है, 2 × 4 × 8 × 16, 2 × 2 × 2 × 2 कितना होगा 16। तो यहां पर बेटा 100/16 जब आप करोगे बेटा तो 16 से 6 टाइम करोगे 16 96.25, तो बेटा खराब नस्ल का कितना आ गया 6.25। अब अच्छी का कितना होगा बेटा, तो 100 में से 6.25 घटा दो बेटा तो कितना आ गया 93.75। देखो बेटा फोर्थ जनरेशन में। तो ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, किसी भी जनरेशन का आपको नाम देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बनाना है क्वेश्चन। वैसे तो उम्मीद करते हैं कि आप बना दोगे, फिर भी अगर कोई डाउट है, समझ में नहीं आया हो, तो बेटा कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और डाउट्स नहीं है बेटा तो दोबारा से फिर से वही बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके भाई बंधुओं के पास ये वीडियो पहुंच जाए। आगे देखो बेटा, मेथड्स ऑफ सिलेक्शन की बात करें बेटा, सिलेक्शन बेटा एक ब्रीडिंग की मेथड है। अंतर बेटा कितना है? अंतर इतना है कि ब्रीडिंग की मेथड में हम दो पशुओं का क्रॉस करके अच्छी नस्ल का डेवलपमेंट करते हैं, अच्छी नस्ल का विकास करते हैं, लेकिन बेटा सिलेक्शन में हम किसी एक नस्ल का ही जो संतान है उसको, अच्छे गुण वाले अच्छे करेक्टर वाली नस्ल को सिलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, इस नस्ल को बेटा सिलेक्शन मेथड कहा जाता है। सिलेक्शन जो मेथड है बेटा वो जनरली जो है हमारी सिलेक्शन मेथड जो आपको जनरली मिलती है बेटा वो कई सारे तरीके को देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं टेस्टिंग परफॉर्मेंस वाइज टेस्ट। बेटा परफॉर्मेंस ऑफ टेस्टिंग में क्या होता है? परीक्षण करना। इस बेटा होता क्या है, जो नस्ल हमें सिलेक्ट करनी होती है उस नस्ल के खुद के कैरेक्टर को हम देख लेते हैं कि क्या ये नस्ल हमारे लिए उत्तम है, क्या इस नस्ल में कोई खराब कैरेक्टर है, और अगर देखने में अच्छी है, जैसे मान लो बेटा हमारे पास एक हर्ड है, एक ग्रुप है, 50 पशुओं का एक समूह है, उस पशु में से जो हमें पशु फीनोटाइपिक रूप से मतलब बाहरी रूप से जो अच्छा दिख रहा है, उस पशु को सिलेक्ट करने की जो मेथड है बेटा वो परफॉर्मेंस बाय टेस्टिंग कहलाती है, या परफॉर्मेंस बाय फीनोटाइपिक कैरेक्टर्स कहलाती है। क्लियर बेटा? ये जो मेथड है बेटा ये सिलेक्शन की बैकबोन कही जाती है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन बेटा इसी मेथड के द्वारा होता है, जनरल जो है बेटा लोग सिलेक्शन इसी मेथड के द्वारा करते हैं। सपोज बेटा हमें कोई भैंस कोई गाय लेने जानी है तो हम इसी मेथड के द्वारा सिलेक्शन करेंगे, इसी मेथड के द्वारा जनरली देखेंगे कि पशु हमारे खरीदने योग्य है या खरीदने योग्य नहीं। दूसरी बेटा मेथड होती है पेडिग्री सिलेक्शन। पेडिग्री सिलेक्शन बेटा जो मेथड है बेटा वो किसी भी पशु के माता पिता को देखकर, उसके पेरेंट्स को देखकर उसको सिलेक्शन करने की मेथड है। इस मेथड का उपयोग तब किया जाता है जब किसी इंडिविजुअल्स के बारे में, किसी पशु का हमें जिसका चयन करना है उसके बारे में हमें पहले से कोई नॉलेज ना हो। बच्चों समझ में आ रहा है? नेक्स्ट द प्रोजनी टेस्ट। तो प्रोजनी टेस्ट पेडिग्री और प्रोजनी एक दूसरे के अपोजिट है। जो प्रोजनी टेस्ट होता है उसमें संतानों के परीक्षण को देखकर मां बाप का सिलेक्शन करते हैं, और पेडिग्री में पूर्वजों को देखकर संतान का चयन करते हैं। उसका बड़ा टेंडल मेथड आता है, बस केवल नाम याद रखना, आपसे बाय चांस कभी पूछ ले कि टेंडल मेथड क्या है, तो इज अ टाइप ऑफ मेथड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स या टोटल स्कोर, ये भी याद रखोगे, ये बेस्ट सिलेक्शन मेथड है, सबसे अच्छी सिलेक्शन की विधि है। अगर किसी पशु को जो स्कोर देना है उसमें से किसी पशु को 85% से 90% स्कोर प्राप्त होता है, तब बेटा हम मानेंगे कि वो नस्ल हमारे लिए काम की है, यानी कि हम उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद बेटा
इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड, ठीक है बेटा, इसके जनरली आपको नाम याद रखने हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही है बच्चों? आगे देखो बेटा, एआई या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर आप बात करें तो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फर्स्ट एआई जो है बेटा वो भारत में डॉक्टर संपत कुमारन के द्वारा स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा 1939 में स्टार्ट की बेटा। और ये कहां पर स्टार्ट की गई? ये स्टार्ट की गई पैरिस डेयरी फार्म मैसूर था बेटा, पैरिस डेयरी फार्म मैसूर में, मैसूर में एक डेयरी फार्म था पैरिस डेयरी फार्म मैसूर, इस पर बेटा सबसे पहले एआई या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की शुरुआत की। आगे देखो बच्चों, द फर्स्ट बफेलो कॉल्ड थ्रो एआई वाज बोर्न इन 1943। देखो बेटा 1939 में शुरुआत तो की गई लेकिन कोई सफल बेटा वहां पर हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला। सबसे पहले गाय भैंस का जो बफेलो का जो बच्चा था बेटा वो 1943 में इलाहाबाद में, इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बेटा देखने को, या उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। ड्यूरिंग फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन अप्रैल 1951 बेटा पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो बेटा चालू हुई थी अप्रैल 1951, उसमें एक स्कीम लॉन्च की गई जिस स्कीम का नाम था की विलेज स्कीम। इस स्कीम के तहत गांव गांव में या कुछ बड़े गांव में गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारी तरफ से एआई सेंटर्स खोले गए जिससे बेटा इस स्कीम को बूस्टअप मिल गया, यानी कि स्कीम जो है बेटा वो बहुत ज्यादा फैल गई। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है बच्चों? अब बेटा आपसे पूछते हैं मेथड्स ऑफ एआई या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की विधियां कौन कौन सी हैं, मेथड्स कौन कौन सी। तो जब बेटा हम एआई के मेथड्स की बात करें तो सबसे पहले बेटा स्पेकुलम मेथड, ये बेटा सीप में और गोट में की जाती है, जनरली याद रखना। भेड़ बकरी बेटा कौन सी मेथड यूज की जाती है बेटा? तो स्पेकुलम मेथड यूज की जाती है। रेक्टोवैजाइनल मेथड जो है बेटा वो कैटल यानी कि गाय भैंस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सबसे अच्छी विधि है। अगर आपसे पूछते हैं कि गाय भैंस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो बच्चों सबसे अच्छी विधि है रेक्टोवैजाइनल मेथड। आगे आओ बच्चों, स्पर्म डिपॉजिट इन सर्विक्स, बेटा आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म को कहां पर छोड़ा जाता है, कहां पर डाला जाता है। तो स्पर्म को बेटा सर्विक्स के अंदर, वैजाइना में जो सर्विक्स पार्ट होता है बेटा उसके अंदर डाला जाता है। आर्टिफिशियल वैजाइना या एवी, आर्टिफिशियल वैजाइना फर्स्ट एवी डिजाइन्ड इन 1930 बेटा, पहली आर्टिफिशियल वैजाइना 1930 में तैयार की गई थी। और आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि आर्टिफिशियल वैजाइना का उपयोग कृत्रिम रूप से सीमन कलेक्शन में किया जाता है। डेनिश मॉडल इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया एंड यूएसए बेटा, आपको सीधा सा याद रखना है। वैसे तो पढ़ने के लिए डेनिश मेथड मॉडल में बहुत कुछ है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं, अपने सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा इतना पूछा जा सकता है कि भारत में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की कौन सी मेथड यूज होती है। तो भारत में बेटा डेनिश मेथड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की डेनिश मेथड उपयोग में लाई जाती है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बताएं, नहीं आ रहा है तब भी बताएं। एंगल ऑफ आर्टिफिशियल वैजाइना एट द टाइम ऑफ सीमन कलेक्शन इज 45 डिग्री बेटा। कई बार बच्चों मैं आपको ये पॉइंट पढ़ा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको याद ही रखना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ आर्टिफिशियल वैजाइना इन 42 डिग्री सेल्सियस बेटा, जनरली आपको इतना ही याद रखना है कि आर्टिफिशियल वैजाइना का जो टेम्परेचर होता है वो गाय और भैंस दोनों के लिए 42 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन कभी अगर आपको स्पेशली पूछ ले बफेलो के लिए तो बफेलो के लिए टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जनरली बेटा आपको 39 को अभी आपको रिप्लेस करना है, भूलना है। स्पेशली अगर आपसे पूछे तब आपको 39 लगाना है, बफेलो पूछे, वैसे कैटल पूछा जाता है तो कैटल के लिए बेटा 42 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है बेटा वो रिक्वायरमेंट होता है। अब बच्चों अब देखो बेटा अगला टॉपिक बेटा हमारा है हाउसिंग सिस्टम, और हाउसिंग सिस्टम को बेटा हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेटा मुझे दो मिनट का बेटा गैप चाहिए, आप लोग तब तक वीडियो में बने रहें, दो मिनट बाद में आपको दोबारा से आपको स्टार्ट करवा रहा हूं।
हाँ जी प्यारे बच्चों, हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ क्लियर है आपको? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अभी बेटा अपन लोगों को क्लास लेते लेते लगभग लगभग 2 घंटे का समय हो गया है। यहाँ तक बच्चों सब कुछ क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर है? एक बार जल्दी से बताओ बेटा। अभी आपकी 2 घंटे की क्लास हो गई है और करीब 2 घंटे की ही लगभग क्लास और होगी, इसमें हम लोग बेटा आज की क्लास में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। बेटा हम लोगों ने कितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए? जनरल पढ़ लिया हमने, जनरल पढ़ने के बाद बेटा हमने ब्रीड्स पढ़ ली, ब्रीडिंग पढ़ ली, और अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं, ब्रीडिंग ब्रीड्स दोनों पढ़ ली बेटा। अब हम बेटा पढ़ने वाले हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है हाउसिंग सिस्टम, यानी कि मुर्गियों या पशुओं की गृह प्रणाली यानी गृह व्यवस्था किस तरीके की होनी चाहिए। बच्चों अगर हम बात करें हाउसिंग सिस्टम में, देख लेते हैं, केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड लिकिंग और इंस्टेस्टाइन ऑफ प्लेसेंटा बाय काउ एज द प्रैक्टिस एडवाइजरी रिड्यूस मिल्क यील्ड ड्यू टू एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक। बेटा वो कह रहे हैं कि जब किसी गाय ने, किसी गाय भैंस ने जब बछड़ा दिया है, बछड़ा देते समय जो उसकी प्लेसेंटा यानी कि जेर होती है, आपको ये केयर करना है, हाउसिंग एंड केयर मैनेजमेंट। ये पूरा टॉपिक है हाउसिंग एंड केयर एंड मैनेजमेंट। तो आपको केयर करना है कि जो आपका इंडिविजुअल गाय भैंस है वो कभी भी उस प्लेसेंटा को ना खाए ना चाटे। बेटा लिंकिंग वाला होता है चाटना, अगर वो प्लेसेंटा को चाटता है तो प्लेसेंटा के चाटने से मिल्क यील्ड रिड्यूस हो जाती है, जो दूध का उत्पादन होता है बेटा कम हो जाता है, यानी कि पूरे दुग्ध काल में पशु दूध अच्छे से नहीं देगा। The rate of colostrum feeding to a calf is 10% of calf weight per day। इस ये बेटा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपसे ना पूछा जाता है कि बछड़े को उसके शरीर भार का कितना कोलेस्ट्रम देना चाहिए, तो 10% बेटा, या यहाँ पर बेटा कई बार पार्ट में पूछ लेते हैं तो 1/10 पार्ट, 1/10 भाग या 10% कोलेस्ट्रम देना चाहिए। ये कोलेस्ट्रम जो है बेटा बछड़े का जन्म के समय जो वेट होता है बेटा वो 30 से लेकर 50 केजी तक होता है, इसलिए कोलेस्ट्रम की मात्रा बेटा 3 से लेकर 5 केजी पर डे हो जाए, 3 से लेकर 5 लीटर पर डे। आगे देखो बेटा, नेबल कॉर्ड ऑफ न्यू बॉर्न काल कट फ्रॉम 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बॉडी टू कल्फ एंड अप्लाई टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन। बच्चों वो ये कह रहे हैं नबल कॉर्ड का मतलब होता है बेटा नाभि से जो कॉर्ड निकलती है, नाभि बेटा क्या होता है, जब बछड़ा पेट में होता है तो वो नाभि के द्वारा अपने माँ से कनेक्ट होता है, वो नबल कॉर्ड बेटा को हम क्या करना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर बछड़े की बॉडी से 2.5 सेंटीमीटर दूर से नबल कॉर्ड को एक साफ ब्लेड से, एंटीबायोटिक ब्लेड से काट देना चाहिए, और काटने के बाद बेटा उस घाव पर टिंचर आयोडीन लगा देना चाहिए। आगे देखो बच्चों, डिसबडिंग और डिहॉर्निंग कॉल्फ शुड बी डन विद इन 15 डेज। पूछा जाता है कि डिसबडिंग और डिहॉर्निंग कब की जाती है? डिसबडिंग और डिहॉर्निंग का मतलब होता है बछड़े को सींग रहित बनाना, बछड़े के सींग को खत्म कर देना, तो डिसबडिंग या डिहॉर्निंग जो है बेटा वो 15 दिन के जन्म के 15 दिन के भीतर कर देनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों? आगे जाओ बेटा, कार्फ रियरिंग की बात करें बेटा, बछड़े को पालने की, तो बछड़े को पालने के लिए 2 तरह की मेथड होती है, एक वियनिंग सिस्टम और एक सर्कलिंग सिस्टम। क्या अंतर है दोनों में बच्चों? अगर वियनिंग सिस्टम की बात करें तो वियनिंग सिस्टम बछड़े को पालने की ऐसी प्रणाली है जिस प्रणाली में बछड़े को
पालने के लिए उसे मां से अलग कर दिया जाता है। जन्म के तुरंत बाद बछड़े को मां से अलग कर दिया जाता है। यह बेटा मेथड बछड़े को पालने की बेस्ट मेथड है। ये मेथड का उपयोग बेस्ट मेथड ऑफ काल ब्रीडिंग बेटा बछड़े को पालने की सबसे अच्छी मेथड है, मोर पॉपुलर है बेटा। लेकिन ये मेथड बेटा केवल और केवल बड़े डेयरी फार्मों पर उपयोग की जाती है। शकलिंग मेथड जो है बेटा उसमें काल को यानी कि बछड़े को और मां को साथ रखकर पाला जाता है। ये हमारे देश में छोटे डेयरी फार्म पर उपयोग की जाती है। बच्चों क्लियर हो रहा है? चलिए हाँ देखो बेटा, टाइप ऑफ हाउसिंग, ग्रह के प्रकार, पशुओं को या गाय भैंस को रखने के लिए हम कई प्रकार के घरों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें भारत में दो घर प्रचलन है बेटा। एक तो लूज हाउसिंग सिस्टम यानी कि खुला बाड़ा प्रणाली। खुला बाड़ा प्रणाली में बेटा पशुओं को पशुशाला के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है, उन्हें खूंटे से नहीं पाला जाता। दूसरी जो मेथड है बेटा वो है कन्वेंशनल वर्न मेथड बेटा, या जिसको हम कहें पशुओं को बांध कर रखना या पशुओं को खूंटे पर बांधना। और पशुओं को खूंटे पर बांधने की जो बेटा विधि है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो टेल टू टेल सिस्टम हो सकता है मतलब पूंछ से पूंछ की प्रणाली, या फेस टू फेस सिस्टम हो सकता है यानी कि मुंह से मुंह वाली। इन दोनों में ही बेटा आपको याद रखना है। इसमें और अगर हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करें बेटा तो ये दो तरह की हो सकती है। सीबीएस जो है बेटा वो दो तरह की हो सकती है। कौन से दो तरीके हो सकते हैं बेटा? इसमें सिंगल रो सिस्टम और डबल रो सिस्टम, दो रो के सिस्टम होते हैं। मतलब एक पशुशाला आपने बनाई है बेटा, उस पशुशाला में आपने पशु को चारा खाने के लिए यहां स्थान बना दिया है, और पशु में एक साइड से बेटा आपने क्या कर दिया, यहां पर पशुओं को बांध दिया है। इस तरीके के मेथड को सिंगल रो सिस्टम कहा जाता है। एकल प्रणाली। दूसरी प्रणाली होती है बेटा डबल रो सिस्टम। इस रो में बेटा इस सिस्टम में इस तरीके से पशुशाला बनाई जाती है, और ये दो तरीके की होती है। एक पशुशाला में चारा खाने के लिए यहां पर और यहां पर स्थान बना दिया जाता है, और दोनों ओर बेटा क्या कर दिया जाता है, पशु बांध दिए जाते हैं। अब जब बच्चों आप जानोगे किसके चारा खाने के लिए स्थान अगर इधर बना हुआ है तो इसका मुंह बेटा यहां पर होना चाहिए और इसका मुंह यहां होना चाहिए। मतलब इन पशुओं की टेल आपस में सामने होती है, इसलिए टेल टू टेल सिस्टम कहा जाता है। बच्चों दूसरा जो सिस्टम है उस सिस्टम में चारा खाने के लिए स्थान बेटा बीच में बनाया जाता है, और इसके दोनों साइड पशुओं को बांध दिया जाता है। तब बेटा जनरली आप जानोगे इनका मुंह बेटा यहां पर रहेगा। इस विधि को बेटा माउथ टू माउथ सिस्टम या मुंह से मुंह की प्रणाली कहा जाता है। मेरे बच्चों आपको बताना यह है कि सिंगल और रो सिस्टम में पशुशाला की लंबाई पशुओं के हिसाब से होती है, पशु की चौड़ाई पशुशाला की चौड़ाई कितनी होती है बच्चों ये आपको बताना है। डबल रो सिस्टम में टेल टू टेल और माउथ टू माउथ या फेस टू फेस की बेटा आपको बतानी है कितनी डिस्टेंस होती है, कितनी चौड़ाई होती है पशुशाला की, ये बच्चों आपको बताना है। कमेंट करके हमें जल्दी से बताएं। अगर कमेंट आपका हो जाता है, कमेंट सही आ जाता है, तब मैं बच्चों मानूंगा कि आपको समझ में आने लगा। ठीक है बच्चों आ जाओ, अब आइए बेटा ये एरिया रिक्वायरमेंट फॉर गिवन एनिमल्स। बेटा कुछ यहां पर पशु दिए गए हैं, उन पशुओं के लिए कितना एरिया की आवश्यकता होती है, कितना एरिया आवश्यक होता है बेटा इसमें ये भी दिया गया है। बच्चों पहले हम बात करते हैं गाय की, काउ की। गाय के लिए आपको याद रखना है प्रति पशु के हिसाब से बेटा, ये एक पशु के हिसाब से है। तो एक पशु के लिए गाय को 20 से 30 वर्ग फुट कवर्ड कैंपस
यानी कि बंद स्थान की आवश्यकता होती है, यहीं पर बेटा 80 से 100 स्क्वायर फीट खुले स्थान की आवश्यकता होती है एक गाय। क्लियर बच्चों? बफेलो की अगर हम बात करें, भैंस की बात करें, तो भैंस का आकार थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए 25 से 30 फुट बंद स्थान और 80 से 100 फुट खुले स्थान की आवश्यकता। यंग काल पीड़ा, यंग काल जिसकी एज 3 से 6 वर्ष के बीच में, 3 से 6 महीने के बीच में है, उसमें कवर्ड कैंपस 15 से 25 वर्ग स्क्वायर फीट लगता है और ओपन एरिया बेटा 50 से 60 स्क्वायर फीट लगता है। मेरे बच्चे सुनील संजू कौशिक, बेटा आपका आंसर गलत है। संजू कौशिक जी बेटा आपका आंसर गलत है, मैं बताऊंगा सही आंसर, अगर जब तक किसी का नहीं आता है बेटा तो फिर मैं आंसर आपको सही बताऊंगा। प्रेग्नेंट काउ बेटा, जो गाय प्रेग्नेंट है उसको 100 से 120 वर्ग फुट बंद स्थान की और 180 से 200 स्क्वायर फीट खुले स्थान की आवश्यकता होने वाली है। बुल बेटा या सांड के लिए 120 से 140 वर्ग फुट स्थान या खुला हुआ 200 से 250 वर्ग फुट स्थान की रिक्वायरमेंट। मिल्किंग एनिमल बेटा, जो दूध देने वाला एनिमल है उसको 60 से 70 स्क्वायर फीट और 80 से 100 स्क्वायर फीट खुले स्थान की आवश्यकता होती है। हीपर, हीपर मतलब होता है बछिया, ऊसर बोलते हैं जिसको, जिसकी आयु एक वर्ष से अधिक है उसे हीपर कहा जाता है, उसके लिए बेटा 25 से 30 बंद स्थान और 120 से 150 स्क्वायर फीट खुले स्थान की आवश्यकता होती है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेते चले, इन टेबलों को आपको बाद में पढ़ना है, अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। यहाँ पे बेटा आइडेंटिफिकेशन या पशु को चिन्हित करने की मेथड है। पशु जहां पर बेटा पशुशाला में हमें पशुओं का रिकॉर्ड रखना है, या स्पेशली जब भेड़ों को झुंड में चराया जाता है, झुंड में चराने के लिए ले जाते हैं, तब उनमें कोई डिजीज, सॉरी बेटा, उनमें कोई पशु आपस में मिल ना जाए, इससे बचने के लिए पशु को चिन्हित किया जाता है। चिन्हित करने की बेटा बहुत सारी मेथड उपयोग में होती हैं। सबसे पहली बेटा मेथड आपके सामने लिखी है ईयर टैगिंग। इस मेथड में कान में बेटा एक टैग लगा दिया जाता है, पशु के कान में एक टैग लगा दिया जाता है। जनरली आपने देखा होगा जब बीमा कंपनी वाले पशु का बीमा करते हैं तो उस समय पर कान में एक टैग लगाते हैं, जिसे हम टैगिंग मेथड या ईयर टैगिंग मेथड कहा जाता है। कान में छल्ला है। टैटूइंग ऑफ कैटल, टैटूइंग ऑफ कैटल बेटा एक विशेष प्रकार का चिन्ह पशु के शरीर पर गोद दिया जाता है, पशु के शरीर पर बना दिया जाता है, जिसे टैटूइंग के नाम से जानते हैं। बच्चों ब्रांडिंग मेथड की अगर हम बात करें तो ब्रांडिंग मेथड बेटा इसमें ब्रांडिंग तेल का उपयोग किया जाता है और ब्रांडिंग तेल बेटा कोल टैंग मेथड भी कहा जाता है। इसके बाद मेरे बच्चों ईयर नोचिंग में पशु का कान काट देते हैं, कान को विशेष आकृति में काट दिया जाता है। ये मेथड बेटा जनरली सुअर में बेटा प्रचलन में है, लेकिन कुछ जगह पर भेड़ों में भी ये विधि अपनाई जाती है। Putting identification marks और color on goat and sheep। भेड़ और बकरियों के झुंड में आपने देखा होगा बेटा, आपके मध्य प्रदेश में जब राजस्थान से चरवाहे भेड़ लेके आते हैं तो वो भेड़ें लाल, हरे, नीले किसी कलर से, उनका ऊपर का जो पोतड़ा ऊपर ऊपर के पीठ में बेटा हल्के से कलर लगा होता है, जिससे वो लोग उसको पर्टिकुलर भैंस या गाय को पहचान सकें। इसको बेटा कहा जाता है कलर या पुटिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर्स मेथड। बिल्कुल सुनील पहिया का आंसर बिल्कुल सही होगा। बच्चों आपको यहां तक क्लियर हो रहा है? अब डीहॉर्निंग यानी कि सींग रोधन, सींग रहित करना, पशु के सींग खत्म करने की विधियां जो है बेटा वो आपके सामने दी गई हैं। केमिकल विधि यानी कि रासायनिक विधि, और रासायनिक विधि बेटा कास्टिक पोटास का उपयोग करते हैं, इंपोर्टेंट मेथड है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लास देखने में परेशानी हो रही है, मुझे लग रहा है शेयर करने में परेशानी हो रही है, जबकि आपके सामने सर 2 घंटे से रेगुलर क्लास लेने के लिए खड़े हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों अभी हम 2-3 घंटे और क्लास करने वाले हैं,
लेकिन आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो। मैं अक्सर देखता हूं कि क्लास में स्टूडेंटों की संख्या कम होती है, शुरुआत में स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, बाद में जाते जाते स्टूडेंट कम हो जाते हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए कि शुरुआत में स्टूडेंट कम होते होते लास्ट क्लास तक स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीजें यहां पर हो रही है सबकी सभी चीजें आपके काम की हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप क्लास को बेटा लगातार शेयर करते रहें किसी भी माध्यम से ज्यादा बच्चों की संख्या यहां पर जुड़ सके। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें मैकेनिकल मेथड की, तो मैकेनिकल मेथड में बेटा किसी ना किसी यंत्र औजार के द्वारा सीन को खत्म किया जाता है, जिसमें बेटा क्लिपर एंड सॉ या रबर बैंड का उपयोग किया जाता है, मतलब आरी का या रबर बैंड का उपयोग यहां पर बेटा किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मेथड में बेटा इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर या मशीन से लाइट से चलने वाली डिहॉर्नर मशीन का उपयोग करते हैं, ये मेथड बेटा सींगों को डिहॉर्निंग करने की है। इसे बेटा कास्टिक पोटास मेथड, तीनों ही मेथड वैसे तो इंपोर्टेंट है बेटा, कोई भी एक मेथड आने के चांसेस बेटा हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, स्पेस फॉर गॉड और सीप मीटर क्यूब, बेटा लिखा है एक बकरी के लिए और भेड़ के लिए कितने क्यूबिक मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है, कितने क्यूबिक मीटर एरिया की आवश्यकता होती है, वो आपको इस टेबल में दिखाया गया है। जो बेटा एडल्ट रैम होते हैं, यानी कि जो एडल्ट भेड़ है, ये बेटा हम कहें जो एडल्ट भेड़ का जो एनिमल है उसके लिए 2 वर्ग क्यूबिक मीटर बेटा स्पेस की आवश्यकता होती है रहने के लिए, क्यूबिक मीटर स्पेस की आवश्यकता है। वर्ग मीटर बेटा यहाँ पे क्यूबिक मीटर गलत है बेटा, इसको वर्ग मीटर करो बेटा, तो 2 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। यही बेटा खाना खाने के लिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की आवश्यकता पर पशु के हिसाब से होती है। एडल्ट जो बेटा गॉट है उसके लिए 1 से 1.5 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। यहीं पर बेटा 40 सेंटीमीटर खाना खाने के स्थान की रिक्वायरमेंट यहां पर बच्चों होती है। प्रेग्नेंट एनिमल यानी कि जो भेड़ या बकरी प्रेग्नेंट है उसके लिए 2 वर्ग मीटर या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। लैक्टिंग एनिमल बेटा 2 या 50 मीटर की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ किड और लैम बेटा बच्चे, या तो बकरी का बच्चा हो या भेड़ का बच्चा हो, इसके लिए बेटा 0.5 से 1 होगा बेटा, 0.5 से 1 वर्ग मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है। और यहीं पर फीडिंग के लिए 30 सेंटीमीटर स्थान की आवश्यकता बच्चों यहां पर हमारे होती है। ठीक है बेटा, आगे देखो पोल्ट्री के बेटा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहले बेटा एक ब्रॉयलर की बात करें, ब्रॉयलर की एज बेटा कितनी होनी चाहिए, 12 वीक तक जो बेटा जो स्थान की आवश्यकता होती है वो 0.06 से लेकर 0.09 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है एक के लिए। लेयर को 2.5 स्क्वायर फीट स्थान की आवश्यकता होती है। बच्चों यहां पे 2.5 स्क्वायर फीट, यहीं पे बेटा चिक को 0.09 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाओ। मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित बेटा क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित प्रश्न दिए गए बेटा यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों बात करें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB 1965 में गुजरात में बनाया गया। मेरे बच्चों बताना है आपको गुजरात में कहां पर बनाया गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कहां पर स्थापना की गई गुजरात में, ये बच्चों आपको बताना है। प्रोलैक्स लैक्टिन स्टिमुलेट्स एंजाइम, बेटा नाम क्या है, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग एंजाइम। ये एंजाइम लैक्टेशन की एक्टिविटी को दुग्ध काल को बेटा प्रभावित करता है, दुग्ध के समय को प्रभावित करता है। ऑक्सीटोसिन बेटा आपको पता है दूध को सिक्रेशन के लिए, दूध निकालने के लिए, दूध की मात्रा को के लिए जिम्मेदार है।
एड्रिनल बेटा क्या है, इनहेबिट मिल्क सिक्रेशन, मिल्क सिक्रेशन को रोक देता है, इसको बेटा विरोधी या दुग्ध निष्कासन विरोधी हार्मोन भी कहा जाता है। अक्कू बहुत बढ़िया बेटा। ऑपरेशन ब्लड लॉन्च 1970 बेटा, ऑपरेशन ब्लड की शुरुआत 1970 में की बच्चों, आपको बताना बेटा, अच्छा बताना क्या बेटा, लिखा हुआ है व्हाइट रेशन रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, फादर ऑफ व्हाइट रेशन इज नोन एज बर्गीस कुरियन, बर्गीस कुरियन को बेटा फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आनंद सर बहुत बढ़िया बेटा, कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों। आइए बच्चों तो बेटा क्या लिखा है, मिल्क एंड इट्स कंपोनेंट, देखिए बेटा मिल्क प्रोडक्शन में पहुंच गए हम लोग, पढ़ते 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 कहां पे पहुंच गए, मिल्क प्रोडक्शन में पहुंच गए, एक एक सीढ़ी एक एक सीढ़ी एक एक सीढ़ी चलते चलते बेटा अभी हम कहां पे पहुंचे हैं, मिल्क प्रोडक्शन पे पहुंच चुके हैं। आओ बच्चों मेरे, आयरन इज वेरी लो टू 0.2 mg/g ऑफ मिल्क। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार आता है कि दूध में क्या नहीं पाया जाता, आयरन, विटामिन सी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों आपको देखने को यहां मिलते हैं। तो बच्चों याद रखोगे कि दूध में विटामिन सी और आयरन दोनों ही नहीं पाए जाते, बस आयरन के बड़े थोड़ा सा याद रखना, कभी पूछते हैं तो आयरन वेरी लो कंटेंट में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में आयरन यहां पर बच्चों पाया जाता है। आगे देखो बेटा, फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के बेटा, फैट सोल्यूबल ऐसे विटामिन एड एक्ट जो है बेटा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बेटा, ऐसे विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये पानी में नहीं घुलते बेटा, लेकिन फैट में अगर आप इनको घोलोगे तो खुल जाएंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन बेटा कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर है बच्चों, यहां पर बेटा ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है आपसे बच्चों, पूछें कि दूध में जो पाए जाने वाले विटामिन हैं विटामिन एडेक और फैट, ये दूध बेटा इमल्सन के फॉर्म में पाए जाते हैं। बच्चों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, दूध की विटामिन या दूध में पाई जाने वाली वसा दूध में किस फॉर्म में पाई जाती है, तो इमल्सन फॉर्म में पाई जाती है। बच्चों आप याद रखोगे, दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है बेटा वो कोलाइडल या कलल फॉर्म में पाई जाती है, हिंदी में कलल बोला जाता है बेटा, इन इंग्लिश में कोलाइडल बोला जाता है। इमल्सन को बेटा पायस कहा जाता है हिंदी में। बच्चों लैक्टोज का पूछते हैं कभी, लैक्टोज या विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस या मिनरल्स जो होते हैं बेटा किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो सॉल्यूशन या बिलियन के रूप में, या बेटा यहां पर ट्रू सॉल्यूशन या सप्त बिलियन के रूप में यहां पर देखने को मिलते हैं। बेटा ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार बच्चों दोबारा से देखते हैं, दूध में पाई जाने वाली विटामिन और विटामिन बी भी कौन सी बेटा, एडेक बसा मिले विटामिन, और बसा दूध में इमल्सन या पायस के रूप में पाई जाती है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन बेटा कोलाइड या कलर के रूप में जानी जाती है। दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज और विटामिन बी एंड विटामिन सी तो बेटा होता ही नहीं है दूध में, तो कोई बात ही नहीं है। विटामिन बी और लैक्टोज बेटा सप्त बिलियन या ट्रू सॉल्यूशन के रूप में यहां पर बच्चों देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चों, बसा गोलकाओं के रूप में, बिल्कुल बेटा। आगे देखो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ मिल्क, यहां पे बोला गया है विभिन्न प्रकार के दूध का स्टैंडर्डाइजेशन जो है बेटा पीएफओ के अनुसार, पीएफओ के अनुसार बेटा जो स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है वो किस तरीके से यहां पर किया गया, बच्चों देखते हैं। बेटा कह रहे हैं कि मिल्क में जो फैट होती है बेटा वो गाय के दूध में 3.5% जो फैट है बेटा वो स्टैंडर्ड है, पीएफओ के अनुसार 3.5% फैट होनी चाहिए, और एसएनएफ जो है बच्चों होना चाहिए 8.5%। कभी बच्चों TSS अगर आपसे पूछते हैं आपको कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करते हुए चले जाना है, बस ऐड करो बेटा कितना हो जाएगा 12%। तो आपसे कोई पूछता है कि गाय के दूध में TSS कितना होता है, आप कहोगे बच्चों 12%। बेटा बफेलो में 5% का मिल्क फैट होता है और 9% SNF होता है, बच्चों दोनों को जोड़ोगे तो 14% आ जाएगा। गॉट और सीप की बात करें बेटा, भेड़ और बकरी की बात करें तो 3% मिल्क फैट और 9% SNF होता है, दोनों को जोड़ोगे बच्चों 12% आएगा।
ये तो बेटा स्टैंडर्ड जो मिल्क होता है, स्टैंडर्डाइज्ड जो मिल्क होता है उसमें 4.5% फैट और 8.5% बेटा SNF पाया जाता है। इस तरीके से दोनों को मिला के 13% हो जाता है बेटा। यही बेटा कंबाइंड मिल्क का SNF, TSS और मिल्क फैट माना जाता है। अगर पूछते हैं मिल्क का क्या है बेटा, तो यही आपको लगाना है, क्योंकि इंडिविजुअल ये तो गाय के मिल्क का, भैंस के का, काउ या बकरी के का नहीं पूछा बेटा, बकरी या भेड़ के का नहीं पूछा। आपसे जब स्टैंडर्ड मिल्क का या दूध का संगठन पूछा जाए बेटा, तब आप बच्चों आपको ये वाला लगाना है। आगे आ जाओ बच्चों, रिकम्बाइंड मिल्क बेटा। रिकम्बाइंड मिल्क में बेटा मिल्क जो है बच्चों, रिकम्बाइंड का मतलब होता है बेटा दूध को दोबारा से बनाया गया दूध पाउडर से। तब बच्चों दूध टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क या बेटा स्किम्ड मिल्क के नाम से जाना जाता है। टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क और स्किम्ड मिल्क। बच्चों याद रखोगे टोन्ड मिल्क में 3% फैट होता है, डबल टोन्ड बेटा स्टैंडर्ड में 4.5%, स्टैंडर्ड से उसको टोन्ड किया 1.5% वसा कम हुई, टोन्ड को एक बार फिर टोन्ड किया डबल टोन्ड हो गया बेटा, तो कितना वसा बची 1.5%। बच्चों समझ में आ रही है। और स्किम्ड मिल्क बेटा 0.5% बसा बेटा देखने को मिलती है। ये पर SNF बेटा 8.5% टोन्ड में है, डबल टोन्ड में 9% है और स्किम्ड मिल्क में बेटा लगभग 8.5% यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्लियर है सब कुछ। आगे आ जाओ बेटा स्पेशल पॉइंट बेटा, कुछ बेटा स्पेशल पॉइंट्स यहां पर हैं, इन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। स्पेशल पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट हैं, तो स्पेशल पॉइंट में बच्चों आप देखोगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू कैरोटीन। गाय के दूध का पीला रंग बेटा किसके कारण होता है, कैरोटीन की वजह से होता है, यह आपको याद रखना है। गाय के दूध का पीला कलर बेटा किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है बच्चों, गाय के दूध का बच्चों पीला कलर किसकी वजह से होता है, तो बच्चों आंसर है कैरोटीन की वजह से होता है। नेक्स्ट बेटा देखोगे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलाकर बेटा लैक्टोज बनाते हैं और लैक्टोज को ही मिल्क सुगर या दूध की शर्करा के नाम से जाना जाता है। बच्चों सारे ही पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्लियर है बच्चों, आपको येलो कलर दूध का पीला रंग बेटा कैरोटीन की वजह से होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है। बेटा आपसे पूछा जाएगा कि दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो लैक्टोज नामक डाइसैकेराइड पाई जाती है और ये डाइसैकेराइड का जो डेवलपमेंट है बेटा वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के एक अणुओं से मिलकर होता है। पीएच ऑफ मिल्क की बात करें बेटा तो दूध का पीएच 6.6 होता है बेटा, लेकिन अगर रेंज में ऑप्शन देते हैं बेटा तब सही आंसर होगा 6.5 to 6.7। क्लियर बच्चों, पोलिस्ट्रम या बेटा खिस की बात करें तो पोलिस्ट्रम जो होती है बेटा उसमें 10.5 से लेकर 15 गुना बेटा विटामिन ए होता है एस कंपेयर टू मिल्क। दूध की तुलना में 5 से लेकर 15 गुना बेटा क्या होता है विटामिन देखने को मिलता है यहां पर बेटा विटामिन में। इसके अलावा विटामिन क्या है, राइबोफ्लेविन, कोलिन, थायमिन एंड पेंटाफिन एसिड नामक बेटा ये चीजें भी ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। मेरे बच्चों बायो एंड कल बायो बेटा, कल अगर आज की क्लास ये होती है तो कल हम लोग ऐसे ही एक ग्रांड क्लास करेंगे क्रॉप, जिसमें टोटल कंप्लीट क्रॉप प्रोडक्शन बेटा हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ठीक है बच्चों, आ जाओ बेटा यहां पर देखो बेटा पास्टुराइजेशन, ये सारी ही मेथड बेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ध्यान से बच्चे इसको समझते हैं। पास्टुराइजेशन की बेटा बात करें, पास्टुराइजेशन क्या होता है बेटा आपको पता होगा, टेम्परेचर के द्वारा गर्म करके दूध को
खराब होने से बचाना बेटा क्या कहलाता है? पाश्चुराइजेशन कहलाता है। पाश्चुराइजेशन बेटा जो विधि है बेटा वो कई सारे तरीकों से या पाश्चुराइजेशन मेथड में कई सारे तरीके का उपयोग यहां पर बच्चों किया जाता है। सबसे पहले बेटा एनटीएलटी, एनटीएलटी मेथड का मतलब समझेंगे बच्चों लो, क्या बेटा लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मतलब कम ताप को अधिक समय के लिए आपको देना है। इसमें बात करें बेटा तो 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को 30 मिनट तक पहले बच्चों दिया जाता है। यहां पे बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटीएलटी और एसटीएसटी में से पूछा जाता है। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम की बात करें बेटा 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 30 मिनट के लिए आपसे पूछा जाएगा। दूध को पाश्चुराइज करने के लिए 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कितने समय के लिए दिया जाता है बच्चों? तो आपका सही आंसर होगा 30 मिनट के लिए। या बच्चों वहां से पूछा जाएंगे कि किस विधि में 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है? तब आपका आंसर होगा एसटीएसटी मेथड। तो किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है बच्चों। आपको याद रखना है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर मतलब 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 15 सेकंड। बच्चों यहां पे देखोगे यूएसटी अल्ट्रा हाई, हाई से भी हाई बेटा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर बच्चों ये दिया जाता है 148 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 से 5 मिनट के लिए। और अगर यहीं पर 149 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर करते हैं तो ओनली 0.5 सेकंड के लिए, इतने समय में ही बेटा इसके बैक्टीरिया को मारा जाता है। इसको अल्ट्रा हाई टेम्परेचर विधि कहा जाता है। टेम्परेचर ऑफ क्रीम सस्पेंशन 32-37 डिग्री सेल्सियस बेटा कहना है बच्चों कि क्रीम के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 30-37 डिग्री सेल्सियस होता है। कर्ड यानी कि दही के लिए 21 डिग्री सेल्सियस, फैट यानी कि बसा के लिए, जब बसा को बेटा हम फैट बटर से एक्सट्रैक्ट करना है, जब बसा निकालनी है बेटा हमें बटर से, जब मक्खन से बसा निकालनी है उसके लिए 110-120 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट होता है। और अगर क्रीम से निकालना है तो 110-115 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें और जो डाउट्स आए वो हमसे पूछ लें, ठीक है बच्चों? आगे चलिए, आगे चलिए बच्चों। बेस्ट पनीर मेड फ्रॉम काउ मिल्क, बेटा कह रहे हैं कि सबसे अच्छा पनीर जो है बच्चों गाय के दूध से बनाया जाता है। और सबसे अच्छा पनीर बेटा किससे बनाया जाता है? गाय के दूध से बनाया जाता है। ये बच्चों आप याद रखें, सबसे अच्छा पनीर किससे बनाया जाता है? गाय। केसीन इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम मिल्क एट पीएच ऑफ 4.6। बच्चों को कह रहे हैं कि अगर 4.6% पीएच दिया जाता है तो केसीन बेटा प्रेसिपिटेटेड हो जाती है, यानी केसीन फट जाती है, स्कंदन हो जाता है, केसीन फट जाती है। बच्चों मेरे आपको ये बताना है कि भैंस के दूध का सफेद रंग या भैंस के दूध का व्हाइट कलर किसके कारण होता है? बेस्ट छेना मेड फ्रॉम काउ मिल्क, बेटा याद रखना जिस चीज का पनीर जिससे अच्छा बनाया जाता है छेना भी उसी से अच्छा बनाया जाता है बच्चों, क्योंकि छेना या पनीर दोनों एक ही है एक तरीके से। एंड खोआ एंड मावा मेड फ्रॉम बफेलो मिल्क, बेटा खोआ और मावा किससे अच्छा बनाया जाता है? भैंस के दूध से मेरे प्यारे बच्चों अच्छा बनाया जाता है। आगे देखोगे छेना एंड पनीर आर कॉन्ग्लोमरेटेड प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, बेटा वो कह रहे हैं कि छेना और पनीर दूध के स्कंदित पदार्थ है। बेटा कैसे पदार्थ है? स्कंदित है। पनीर आर मेड अप बाय अप्लाइंग प्रेशर टू रिमूव वे, व्हाइल इन केस ऑफ छेना प्रिपेयर्ड बाय विदाउट प्रेशर। बच्चों ये कह रहे हैं कि छेना बनाने के लिए दूध को कॉन्ग्लेट यानी स्कंदित किया जाता है, और दूध को स्कंदित करने के बाद अगर हमें उससे पनीर बनाना है तो उसको प्रेशराइज करना पड़ता है, मतलब उसको वजन रखना पड़ता है, और वजन रखने के बाद बच्चों पनीर का निर्माण होता है, जबकि छेना बनाने के लिए किसी प्रकार के प्रेशर की किसी प्रकार के वजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अक्कू इसके बाद सुनील पवैया बेटू भिंड, चलिए बच्चों
मेथड ऑफ मिल्किंग, दूध निकालने की विधियां बेटा। दूध निकालने की बच्चों यहां पर दो विधियां हैं, या तो मशीन के द्वारा दूध निकालना या हाथ के द्वारा दूध निकालना। बच्चों मशीन के द्वारा जो दूध निकालने की विधि है उसको बेटा तीन विधियों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले स्ट्रिपिंग मेथड, नकलिंग मेथड या फुलिंग मेथड। स्ट्रिपिंग मेथड का मतलब होता है बेटा हाथ की दो उंगली की सहायता से पशु का दूध निकालना, बेटा स्ट्रिपिंग मेथड कहलाता है। यह विधि बेटा, इस विधि से जो दूध निकाला जाता है स्ट्रिपिंग मेथड से, ज्यादातर बेटा अंतिम दूध यानी कि लास्ट का जो दूध है उस दूध को निकालने के लिए स्ट्रिपिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। और जब स्ट्रिपिंग मेथड से दूध निकाला जाता है तो उस दूध में फैट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बच्चों ये मेथड है स्ट्रिपिंग मेथड, इसका उपयोग छोटे थन वाले पशुओं से दूध निकालने में या अंतिम दूध को निकालने में किया जाता है, या बेटा हम कहें पहले या दूसरे व्याप में दूध निकालने के लिए स्ट्रिप मेथड का उपयोग किया जाता है। जनरली यह विधि भेड़ और बकरी में प्रचलन में। नकलिंग विधि को बेटा अंगूठा विधि बोला जाता है, इसमें चार अंगुली और एक अंगूठे की सहायता से दूध का दोहन किया जाता है, इसे नकलिंग मेथड कहते हैं। तीसरी बच्चों मेथड है फुल हैंड मेथड, ये दुग्ध दोहन की बेस्ट मेथड है। इस मेथड में अंगुली और गद्दी के सहायता से दूध को निकाला जाता है, इस तरीके से दूध दोहन किया जाता है, यह दूध निकालने की सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। आगे बेटा कह रहे हैं हैंड शुड बी परफेक्टली ड्राई व्हेन मिल्किंग। बच्चों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जब आप पशु का दूध निकालने वाले हैं तो समय पर हाथ जो है बेटा सूखे होना चाहिए। बड़ा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, आयन और हाथ दूध निकालते समय सूखे होना चाहिए। जनरली अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि थन कैसे होना चाहिए, तो आप जो अपने यहाँ पे लोकल में जो मेथड है दूध दोहन की, उसमें गीले करके थनों का दूध निकाला जाता है, जो एक गलत मेथड है, सबसे बेकार विधि बेटा नकलिंग विधि मानी जाती है, अंगूठा विधि मानी जाती है, और इसी का प्रयोग हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इन बातों में आपको ध्यान रखना है, कभी आपसे पूछते हैं सबसे अच्छी मेथड कौन सी है, तो नकलिंग विधि यानी अंगूठा विधि सबसे बेकार मेथड है, सबसे अच्छी मेथड बेटा फुल हैंड मेथड है। हाथ से दोहन की सबसे अच्छी मेथड फुल हैंड मेथड है, इसमें थनों में किसी प्रकार की प्रकृति या किसी प्रकार की खराबी देखने को बच्चों नहीं मिलती। आगे तो बच्चों वाटर फैट इज मेल्टेड 32-64 डिग्री सेल्सियस। बेटा कह रहे हैं कि वाटर में जो मक्खन में जो वसा होती है बेटा वो 30 से लेकर 64 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। बच्चों प्लास्टिक क्रीम में जो फैट है बेटा उसका कंटेंट 65% से लेकर 68% के बीच में होता है। जो प्लास्टिक क्रीम है बेटा उसमें 65% से कम फैट नहीं होनी चाहिए। बच्चों मेरे आपको बताना बेटा बटर में कितने परसेंट फैट होता है। चलिए बच्चों जल्दी से बताइए बटर में यानी मक्खन में कितने परसेंट फैट होता है। एन परसेंटेज कॉन्गुलेटेड बाई एक्शन ऑफ बाई ऑफ रूमेन। बेटा वो कह रहे हैं कि एन का जो विकृत होता है वो रेनिन के एक्शन के कारण यानी रेनिन के प्रभाव के कारण होता है। बच्चों मेरे स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट घनत्व जो है बेटा वो 1+CLr/1000 होता है। आपको पता हो बेटा दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व बच्चों क्या होता है 1.030 होता है, और ये इसी फॉर्मूले के द्वारा आता है 1+CLr/100। अब बच्चों कहोगे CLR क्या होता है, तो CLR होता है करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग, नापी गई दूध की सही लैक्टोमीटर रीडिंग। बच्चे रोहित आपका आंसर गलत है, बटर में 99% फैट बेटा कैसे हो जाएगा। बच्चों बेटा सोच समझ के आंसर दो बच्चे, क्लियर है बेटा, आ जाओ। बच्चों आप लोग ना पावर नहीं दिखा पाते। हाँ बेटा मोर देन 80% मिनिमम 80% होती है, मोर देन 80% फैट बेटा यहाँ पर मक्खन में देखने को मिलती है। आपको का बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे। जब मैं पाप को इस कॉलेज में पढ़ता था तो उस वहाँ पर बेटा एक स्लोगन हुआ करता था, स्ट्रेंथ पावर नेशनल पावर।
छात्रों की शक्ति विदा है, पूरे देश की शक्ति है, और आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके वीडियो को वायरल नहीं कर पाते। आपकी शक्ति पता नहीं कहाँ खो जाती है, आप वीडियो को वायरल नहीं कर पाते, इतनी कैपेसिटी नहीं है आप में कि आप वीडियो वायरल कर सकें। स्पेशल ग्रेविटी की बात करें, इसको आप अपेक्षित घनत्व या विशिष्ट घनत्व के नाम से जानते हैं। तो दूध का अपेक्षित घनत्व बेटा गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से लेकर 1.030 होता है। यही पर बच्चों बफेलो के यानी भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.30 से लेकर 1.32 होता है, 1.032 होता है। अगर बच्चों दूध का पूछे तो आप ये वाला आंसर लगाना, दोनों के बीच का, क्लियर है बच्चों। बेटा फैट पर्स का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 0.93 होता है, लैक्टोज का 1.066 होता है, प्रोटीन का 1.346 होता है। इसके साथ साथ एसिडिटी जो है बेटा दूध में जो एसिडिटी होती है यानी जो अम्लता होती है बच्चों वो होती है 0.15%, एवरेज क्या है 0.15%। बच्चों 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। बच्चों ये बात याद रखोगे, सबसे ज्यादा एनर्जी किसी भी पदार्थ से मिलने वाली एनर्जी का सबसे ज्यादा एनर्जी बेटा फैट के पाचन से मिलती है। फैट के 1 ग्राम फैट के पाचन से 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। बच्चों क्लियर बेटा, क्लियर हो रहा है, आगे जाओ बेटा। पीएफए क्या है बेटा, अभी अपन बात कर रहे थे पीएफए के अनुसार, तो पीएफए क्या है बेटा, पीएफए को बेटा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन कहा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा दूध में या खाने में, किसी भी खाने में, फूड का मतलब बेटा खाद्य पदार्थ में, किसी खाद्य पदार्थ में अगर कोई मिलावट है तो उस मिलावट को रोका जा सके, इसे बेटा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन कहा जाता है। इस एक्ट की शुरुआत 1954 में हुई थी बच्चों। भारत में एक एक्ट बनाया गया जिस एक्ट के तहत दूध में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया जिसे फूड एडल्ट्रेशन एक्ट या पीएफए प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। बच्चों फैट जो है कुछ बड़ा पॉइंट लिखना चाह रहे थे, अच्छा बेटा बटर, क्लियर बेटा इंडियन बटर, भारतीय मक्खन बेटा जो फैट है वो 80% बेटा, हमने आपको बताया 80% होती है। जो बच्चों मॉइस्चर है वो 16% होता है, 16% होता है। बच्चों साल के नमक की मात्रा 2.5% 2.5% होती है, जिसमें लिखा बेटा नॉट मोर देन 3% बेटा 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2.5% होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों कितना होना चाहिए 3% होना चाहिए। कर्ड यानी कि दही की मात्रा, मक्खन में दही की मात्रा ज्यादा से ज्यादा 1% होना चाहिए। आगे बेटा फैट कंटेंट और क्रीम बेटा 30-35% का फैट का कंटेंट होना चाहिए क्रीम में। क्वालिटी ऑफ स्टार्टर बेटा, क्वालिटी ऑफ स्टार्टर 2.5% का, वो कह रहे हैं स्टार्टर की मात्रा 2.5% होना चाहिए क्रीम से। जब आप मक्खन बनाने वाले हो बेटा तो क्रीम में कितनी क्रीम मिलानी चाहिए बेटा, क्रीम में 2.5% बेटा क्रीम मिलानी चाहिए। एक बच्चा बोल रहा है 1976 में बनाया था सर शायद, नहीं बच्चे 1976 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, कुछ बदलाव किए गए थे बच्चे, है ना, 1954 में ही बनाया गया था, 1976 में इसमें कुछ बदलाव किए, कुछ चेंजेस किए गए थे बच्चे। आगे बड़ा क्लियर हो रहा है यहां तक क्लास है, आगे देखो बेटा चर्निंग टेम्परेचर ऑफ क्रीम, क्रीम को मत्ते समय जो बेटा टेम्परेचर होना चाहिए वो 48.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए बेटा। और बेटा और ये कब जनरली टेम्परेचर बेटा कितना होना चाहिए समर सीजन में, गर्मियों के सीजन में 48.5, और अगर बात करें ठंडों के सीजन में ये टेम्परेचर बेटा 52-56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बच्चे होना चाहिए। आगे देखो बेटा राइपनिंग टेम्परेचर ऑफ क्रीम, क्रीम को पकाते समय जो टेम्परेचर है वो 69-70 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और चर्निंग करते समय बेटा एसिडिटी जो है बेटा वो 0.3-0.5% होती है। बच्चे देखोगे कलर एड इन क्रीम 2-4 ड्रॉप्स पर पाउंड ऑफ क्रीम, बेटा वो कह रहे हैं कि एक बाउल में, एक कटोरे में या एक
जो जहां पे बर्तन है बेटा उसमें 2 से 4 बूंदे बेटा कलर की डालनी चाहिए जिससे उसमें कलर आ जाए। ठीक है बच्चे, बेटा कोई डाउट्स होता है कहीं तो आप बिल्कुल हमें डाउट्स बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चे, और नहीं है डाउट तो हम लोग आगे अच्छे से पढ़ रहे हैं। बेटा कुछ घी है बेटा, और घी में कंटेंट दिया गया है, गाय के घी की और भैंस के घी की बात कर रहे हैं बच्चे। तो सबसे पहले वसा या फैट का परसेंटेज, सबसे पहले अगर वसा की बात करेंगे तो गाय के घी में 99.3% वसा होती है, यही भैंस के घी में 99.5% वसा होती है। अगर बेटा फ्री फैटी एसिड से स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले फैटी एसिड्स की बात करेंगे तो 2.8% बेटा गाय में होता है और भैंस में भी 2.8% होता है। बच्चे मॉइस्चर की बात करेंगे तो मैक्सिमम 0.5%, दोनों में मैक्सिमम 0.5% है बच्चे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि घी में कितने परसेंट से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए बेटा, तो नॉट मोर देन 0.5% बेटा, 0.5% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। कैरेटिन की मात्रा बेटा गाय की घी में पाई जाती है, भैंस की घी में नहीं पाई जाती बच्चे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि गाय के घी का पीला रंग या गाय के दूध का पीला रंग ही बेटा कैरेटिन की वजह से होता है। बच्चे आ जाओ, कर्ड में बेटा कितने परसेंट वसा होती है, 4% वसा होती है कर्ड में, यानी कि जो दही है बच्चे उसमें 4% वसा होती है। छेना में बेटा 20.8% वसा होती है, यही बेटा आपसे छेना में कितने वसा होती है बेटा 20.8%, यही बेटा आपसे चीज में पूछेंगे तो 25% वसा होती है, और खोआ में 71.2% फैट बेटा यहां पे पाई जाती है। क्लियर है बच्चे, कई जगह बेटा 19% और 25% भी देते हैं खोआ में, है ना बेटा, आने दो। ये बेटा घी प्रिपरेशन की मेथड, घी प्रिपरेशन की विधियां, सबसे पहले बच्चे दी गई है विलेज मेथड, यानी गांव में पैदा की जाने वाली है, गांव में जिस तरीके से घी तैयार किया जाता है, पहले दूध से दही बनाते हैं, दही से बेटा मक्खन बनाते हैं और मक्खन से घी बनाते हैं। तो इस गांव से बनाई जाने वाली विधि में बेटा 82% फैट होता है बेटा। जो बेटा बटर मेथड से, जो बटर का उपयोग किया जाता है बेटा घी प्रिपरेशन में, उसमें 92% फैट होती है, और जो क्रीम मेथड से बेटे उपयोग किया जाता है उसमें 88% फैट होती है। बच्चे याद रखोगे जो बटर मेथड है उससे सबसे स्वादिष्ट और सबसे खुशबूदार घी बनता है, लेकिन क्रीम मेथड से बनने वाला घी में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, बच्चे इस बात को याद रखना। एक्सक्लूडिंग स्टरलाइज क्रीम मींस द प्रोडक्ट ऑफ काउ और बफेलो मिल्क और अ कॉम्बिनेशन देयर प्रोडक्ट कंटेंट विद लेस देन 25% ऑफ मिल्क फैट। बच्चे ये कह रहे हैं कि यहां पर जो क्रीम बिट ऑफ क्रीम मेथड में यूज की जाती है वो क्रीम स्टरलाइज क्रीम होनी चाहिए बच्चे, और स्टरलाइज क्रीम के साथ साथ बेटा अगर वो बात क्रीम की कर रहे हैं तो बच्चे आपको ये याद रखना चाहिए कि वो दूध जो जिस दूध से क्रीम निकाली गई थी वो काउ एंड बफेलो का मिल्क मिक्स मिल्क था, और उसमें फैट की मात्रा नॉट मोर देन 25%, मतलब 25% से कम फैट बेटा अगर होगी तो उसका उपयोग घी बनाने में नहीं किया जाता। बच्चे अगर बटर या मक्खन बनाने की बच्चे बात करेंगे तो मक्खन बेटा देसी विधि से 76% फैट और 20% मॉइस्चर होता है बेटा। जो देसी विधि से बटर बनाया जाता है उसमें 76% फैट होती है और 20% मॉइस्चर होता है। टेबल बटर बेटा, ये टेबल विधि से जो बनाया जाता है बेटा उसमें 80% से कम बेटा फैट होती है, 3% से कम साल्ट होता है, एंड 1.5% से कम दही की मात्रा बेटा होती है। मिल्क पाउडर की बात करें बच्चे तो मिल्क पाउडर में जो फैट है 26% से कम नहीं होनी चाहिए, एंड मॉइस्चर नॉट मोर देन 5%, मतलब 5% से ज्यादा नमी की मात्रा बच्चे नहीं होना चाहिए। यही बेटा खोआ की बात कर लेते हैं तो खोआ में 20% से कम फैट नहीं होनी चाहिए बच्चे। मलाई की बात करें तो मलाई में 25% से कम फैट नहीं होनी चाहिए। छेना या पनीर में 50% से कम फैट बच्चे, 50% से कम फैट होती है और 70% के करीब मॉइस्चर होता है। वैसे बच्चे याद रखेंगे इसमें 30% से कम करो बेटा यहाँ पे, 30% से कम फैट और 70% से के करीब मॉइस्चर देखने को बच्चे मिलता है।
अगले वचन बेटा यहां पे लिखा हुआ है स्किम्ड मिल्क छेना और पनीर। बेटा जो छेना या पनीर है उसमें 70% मॉइस्चर एंड मोर देन 30% फैट बच्चे देखने को मिलती है। ये भी देखोगे चीज में बेटा 43% मॉइस्चर और 42% शुद्ध पदार्थ मतलब दूध का ऐसा पदार्थ जो दूध का पदार्थ है या बेटा हमको सॉलिड बोलते हैं TMS बोलते हैं टोटल मिल्क सॉलिड नाम से जानते हैं और 0.1% बेटा यहाँ पे क्या है एस्कॉर्बिक एसिड देखने को मिलते हैं। आइसक्रीम कुल्फी या चॉकलेट की बात करते हैं बच्चे तो यहाँ पर 10% से कम फैट 3.5% प्रोटीन और TSS बेटा टोटल सॉल्युबल सॉलिड जो होते हैं बेटा वो 36% से ज्यादा पाए जाते हैं। फ्रूट एंड आइसक्रीम की बात करते हैं बेटा तो फैट जो है बेटा वो 8% से कम फ्रूट आइसक्रीम में नहीं होनी चाहिए बच्चे। क्लियर है बेटा आगे आ जाओ। कॉम्बिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टफ बेटा फीड स्टफ का मतलब बेटा जो बच्चे पशुओं को खाना खिलाया जा रहा है उसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए बच्चे उसमें क्या क्या और कितना कितना परसेंट पाया जा रहा है। तो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बच्चे तो खाने दो पशु को दिए जाने वाला चारा दो तरीके का होता है एक रफेज और एक कंसेंट्रेट। रफेज का मतलब होता है बच्चे चारा जो पशु को चारा खिलाया जाता है उसे रफेज कहते हैं और जो दाने का मिक्सचर या दाना दिया जाता है बेटा उसे कंसेंट्रेट कहते हैं। रफेज में मेरे बच्चे क्या आता है इसमें ध्यान रखने वाली बात बेटा यह है कि इसमें फाइबर की मात्रा 18% से ज्यादा एंटीरियन 60% से कम होते हैं जबकि बेटा आपको ध्यान रखना है जो दाने होते हैं कंसेंट्रेट होते हैं उनमें फाइबर की मात्रा 18% से कम और टीरियन 60% से ज्यादा होता है बच्चे याद रखेंगे। चारे में रेशा ज्यादा है 18% से टीरियन 60% से कम है। दाने में रेशा कम है 18% से टीरियन 60% से ज्यादा है टोटल सॉल्युबल सॉलिड ज्यादा है। बच्चे रफेज की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स मेनली टू टाइप्स ऑफ रफेज जनरली दो तरह के चारे यहाँ पे बच्चे देखने को मिलते हैं एक सूखा चारा यानी ड्राई और एक सक्सलेंट यानी कि रसीला चारा। एक सूखा चारा और एक रसीला चारा बच्चे समझ में आ रहा है जिसमें 10-15% के बीच में मॉइस्चर हो यानी कि नमी की मात्रा कम है उसे हम सूखा चारा कहते हैं और जिसमें 60% से लेकर 90% मॉइस्चर हो उसे हम रसीला चारा या हरे चारे के नाम से बच्चे जानते हैं। बेटा सब चीजें क्लियर हो रही हैं थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है इसलिए आपको कोशिश करना है जल्दी जल्दी लेक्चर को खत्म कर पाए। आपका भी समय कम है बेटा 15 तारीख को आपका एग्जाम है अभी से बेस्ट ऑफ लक बच्चे आपको थोड़ा सा जल्दी से कवर करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा कुछ डाउट्स में बच्चे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर बच्चे रफेज की बात करें चारे की बात करें तो चारे दो तरीके के हैं एक सूखे चारे और दूसरे हरे चारे। सूखे चारे में बात करें बेटा तो स्ट्रॉ आता है स्ट्रॉ मतलब भूसा बेटा बोल सकते हैं। हे आती है बेटा हे क्या होता है आप जानते हैं सूखा चारा या सुखाया गया हरा चारा बेटा क्या कहलाता है हे कहलाता है। हे में बेटा मॉइस्चर 15-20% नमी की मात्रा 15-20% है। सबसे अच्छी है बरसीम से बनाई जाती है। दूसरा नंबर लूसन का आता है और जो लूसन से है बनाई जाती है उसमें डीसीपी की मात्रा 10-14-15% और टीडीएन की मात्रा 50% के करीब होती है। वीट एंड राइस स्ट्रॉबेरी डीसीपी रहित होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई बार पूछा गया है कि गेहूं का और राइस का जो स्ट्रॉ होता है भूसा होता है बेटा वो डीसीपी रहित होता है बच्चे याद रखें। बच्चे साइलेंस की बात करते हैं तो साइलेंस में ध्यान रखना 3.7 से 4.2 इसका पीएच होता है इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसमें बेटा 65% मॉइस्चर होती है साइलेंस में बच्चे याद रखेंगे जब ये मॉइस्चर की मात्रा 40% या 40% से कम होती है तब उसको हाइलेज के नाम से जानते हैं। देखना बच्चे 60-65% मॉइस्चर है साइलेज कहलाएगी जब ये मात्रा 40% या उससे कम हो जाएगी तो उसी को बेटा क्या कहने लगते हैं हाइलेज कहा जाता है हाइलेज। क्लियर बच्चे देखो बेटा ग्रीन फॉडर हरा चारा में बेटा किसमें आएगा सक्सलेंट में आएगा हरा है नमी की मात्रा ज्यादा है। इससे बेटा 2-3% डीसीपी और 10% पीडीएन होता है। ये लेग्यूम और नॉन लेग्यूम दोनों हो सकते हैं। अगर ये लेग्यूम है तो काउपी ग्वार या बरसीम से बनाए जाते हैं या काउपी ग्वार या बरसीम के हरे चारे हैं बच्चे। अगर बच्चे ये नॉन लेग्यूम है
तो ज्वार या बाजरा की कलमी है, ज्वार या बाजरा बाजरा का हरा चारा है। रूट क्रॉप्स 75-92% मॉइस्चर एंड 5-10% फाइबर। ये फसलें होती है बेटा हरी फसलें, उनमें 75-95% मॉइस्चर होता है और 5-10% फाइबर बच्चे देखने को मिलता है। अच्छा बच्चे, प्रोटीन सप्लीमेंट कंसंट्रेटर में क्या हो सकता है? एक तो प्रोटीन के सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो प्रोटीन की पूर्ति के लिए दिए जा रहे हैं बच्चे, या ऐसे हो सकते हैं जो एनर्जी के सोर्स के लिए दिए जा रहे हैं। जो प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं जो प्रोटीन के लिए दिए जाते हैं बच्चे, उनमें 18% से ज्यादा प्रोटीन होती है, लेकिन जो एनर्जी के लिए जाते हैं यानी जो कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं उनमें 18% से कम प्रोटीन होती है। बच्चे ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे बोन मील, मीट ईटीसी, जबकि बच्चे ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो अनाज के दाने, मेज बार्ले, मक्का के दाने, ज्वार बाजरा के दाने हो सकते हैं। मैरीन बाई प्रोडक्ट्स बेटा, ये मरीन के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मतलब बेटा ये समुद्री जीवों के, जैसे समुद्री जो जीव होते हैं उनके पाउडर्स, उनके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जबकि बेटा ये मॉलिसस और सीरा हो सकते हैं। एवियन बाई प्रोडक्ट्स बेटा, एवियन बाई प्रोडक्ट्स बेटा ये कह रहे हैं कि जो पशु जो एवियंस होते हैं, पक्षियों के उपजात होते हैं बेटा, वो हो सकते हैं। और बेटा ये रूट्स हो सकते हैं टेपे का, टर्नेप और पटेटो, मतलब बेटा आलू के जड़ कंद बेटा हुए हैं वो हो सकते हैं। मक्का से क्या होता है बच्चे? मक्का से साइलेज बनती है, मक्का से, ज्वार से, बाजरा से साइलेज बनती है, और मक्का से बनने वाली साइलेज बच्चे सबसे अच्छी होती है। डीसीपी और टीडीएन क्या होता है मेरे बच्चे? डीसीपी होता है डाई क्रूड प्रोटीन। अब डाई क्रूड प्रोटीन का मतलब क्या है बेटा? किसी भी खाद्यान्न में पाई जाने वाली ऐसी प्रोटीन जो प्रोटीन पशु के द्वारा पचा ली जाती है बच्चे, उसको डीसीपी कहा जाता है। टीडीएन कहा जाता है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, टीडीएन होता है बेटा टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स, मतलब इसमें केवल प्रोटीन शामिल होती है। टीडीएन में प्रोटीन के अलावा और भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो डाइजेस्ट किए जा सकते हैं, जो पचाए जा सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड है, मिनरल्स है बेटा, ये सब मिला के टीडीएन बनता है बच्चे। तो जो फसलों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है उनमें डीसीपी की ज्यादा मात्रा होती है, टीडीएन की तो होगी ही होगी, साथ में डीसीपी की होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसमें डीसीपी की मात्रा कम हो उसमें टीडीएन की मात्रा ज्यादा ना हो, क्योंकि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा तो वो डीसीपी में काउंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे आगे देखो बेटा, डीसीपी एंड टीडीएन बेटा यहां पर दिया गया है, तो ये टेबल बच्चे आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट टेबल है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लूसन या बरसी में बेटा 2-3% डीसीपी और 12% टीडीएन होता है। बच्चे ज्वार में 0.5% डीसीपी और 11-15% टीडीएन होता है। मेज में 1% डीसीपी और 17% टीडीएन होता है। ओट या जई में 2% डीसीपी, 17% टीडीएन होता है। वीट या राइस में, ये बेटा इंपोर्टेंट टर्म्स है, वीट या राइस का जो स्ट्रॉ होता है उसमें 0% डीसीपी होता है, यानी डीसीपी रहित चारा बेटा, साथ ही साथ उसमें 40% टीडीएन पाया जाता है। देखो बच्चों यहाँ पे टीडीएन की मात्रा ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि जिसमें डीसीपी ना हो उसमें टीडीएन भी नहीं होगा, डीसीपी कम हो सकता है, टीडीएन रिच हो सकता है। बच्चे समझ में आ रहा है? देखो बेटा यहाँ पे बेटा अब बात करते हैं कॉमन डिसीजेस के बारे में, पशु में होने वाली सामान्य बीमारियों के बारे में, फिर कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सामान्यतः पशु में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर केवल और केवल बेटा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको बाद में क्लास खत्म होने के बाद में पढ़ना है। कॉमन डिसीजों में बेटा बात करें एंथ्रेक्स की, तो आप सभी को पता है कि बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा फैलती है, इसे वूल सॉर्टर डिजीज यानी कि ऊन से फैलने वाली बीमारी भी कहा जाता है। ये मनुष्यों में फैल जाती है, किसके सहारे फैलती है? ऊन से फैलने वाली बीमारी बेटा, ऊन के द्वारा फैलने वाली बीमारी भी इसे कहा जाता है। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया या एचएस जो है बेटा आपको याद रखना है, गाय में ये पास्टोरेला बॉबी सेप्टिका और भैंस में पास्टोरेला बुबेली सेप्टिका के द्वारा होती है। बच्चे यहीं पर आप ब्लैक वाटर बीक्यू या ब्लैक वाटर लंगरी से कहा जाता है, ये क्लास्ट्रिडियम सोवियाई के द्वारा होती है। मैस्टाइटिस या थनेला बच्चे जिसे कहते हैं, वो क्या बेटा दूध वाले पशुओं को होती है बेटा, और ये स्टेप्टोकोकस स्टेप्टोकोकाई
या स्टेफलोकोकाई के द्वारा होता है, या तो स्टेफलोकोकाई के द्वारा होता है या स्टेफलोकोकाई के द्वारा होता है बच्चे। और जो बिना दूध देने वाले पशु है बेटा, उनमें कोरिनियम बैक्टीरियम फाइलोजिन के कारण होता है, और 2-3% की बीमारी इस ऐसे पशुओं में फैल सकती है। इंट्रोटॉक्सिनिया बेटा क्लास्ट्रिडियम बेलिस्थेई के द्वारा फैलती है। अदर डिजीजों में बात करें बेटा तो टीबी है, कोलेरा है, ब्रुसेलिस है, टाइफाइड है ना बेटा, और इसके बाद टिटनेस है, ये कुछ अन्य बीमारियां बेटा इसकी है। आगे देखो बच्चे, इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ाए, नहीं ले पाए बेटा बैग जाके दोबारा से स्क्रीनशॉट ले। रिंडर पेस्ट बेटा वायरस के द्वारा होती है, और बेटा इसको कैटल प्लेग या जीटीवी यानी गॉट टिश्यू वायरस भी कहा जाता है। बच्चे यहां पर फुट एंड माउथ डिजीज बेटा है एओसी वायरस, एओसी वायरस के द्वारा होती है, और बेटा इसको एशिया फर्स्ट वायरस या हम बेटा बात कहें कि एशिया में है बीमारी एओसी वायरस के द्वारा, और अफ्रीका में है बीमारी वायरस सेट 1, वायरस सेट 2 और वायरस सेट 3 के द्वारा बच्चे होती है। क्लियर है बच्चे? आगे देखो बेटा ब्लैक टंग डिजीज, मारेक्स डिजीज, मारेक्स डिजीज बेटा इसमें लेग वीकनेस हो जाती है, पैर कमजोर हो जाते हैं और पैरालाइज हो जाता है, मतलब पशु पैरालाइसिस की बीमारी बेटा यहां पर पैरालाइसिस शिकायत देखने को मिलती है। बेटा रानीखेत जो बीमारी जो बेटा मारेक्स हो गई है ना, रानीखेत बेटा बीमारी इसको न्यू कैसेस नाम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेटा ये बीमारी उत्तर प्रदेश की रानीखेत और इंग्लैंड के न्यू कैसेस नामक जगह पर एक साथ देखी गई थी। इसके बाद बेटा अदर डिजीज और बात करें तो ल्यूकोसिस है, स्वाइन फ्लू है, पॉक्स है, प्लेक्स है, और बेटा ब्रोंचिस डिजीज है। क्लियर है बच्चे? बच्चे कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपस में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, आप एक दूसरे के आंसर दे सकते हैं। बेटा प्रोटोजोआ से जो फैलने वाली बीमारी है उनमें सर्रा आता है मुख्य रूप से, ठीक है बेटा, और टिक फीवर आता है बेटा, इसको याद रखना बेटा, बेबिस या वेजेमिना के द्वारा होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टिक फीवर किसके द्वारा होता है। अदर डिजीज की बात करें बेटा तो कोक्सीडियोसिस है, एनाप्लाज्मोसिस है और थैलीमेरियासिस है। इस बीमारी को बच्चे याद रखेंगे आप, क्लियर है बच्चे? अरे बेटा यहां पर बेटा फंगल डिसीज के बारे में, मतलब ऐसी बीमारियां जो फंगस से फैलती है बेटा, तो उनमें कौन कौन से आता है, ब्रूडर आता है, ब्रूडर निमोनिया, छोटे बच्चों निमोनिया होने वाले निमोनिया, ब्रंचोमायोसिस माइकोसिस, रिंगवॉर्म, एफ्लाटॉक्सिस एंड रिंगवॉर्म बेटा दोबारा से लिखा होता है, ठीक है बच्चे। माइस के द्वारा बेटा होने वाला सीप स्कैप है। मेटाबॉलिक डिसीज बेटा मतलब ये होता है ऐसी बीमारियां जो मेटाबॉलिक गड़बड़ी के कारण, मतलब खान पान में होने वाली गड़बड़ी के कारण होती है, उन्हें मेटाबॉलिक डिसीज के नाम से जानते हैं। इसे बच्चे कौन आती है, मिल्क फीवर आता है, ये कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण होता है बेटा। याद रखना जब किसी भी दूध में बच्चे, किसी भी पशु के खून में जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब बच्चे यहाँ पर मिल्क फीवर जनरेट होता है। और ये मिल्क फीवर जो है बेटा इसमें याद रखना ये मात्र ऐसी डिजीज है जिस बीमारी में पशु का टेम्परेचर गिर जाता है, पशु का टेम्परेचर लेस हो जाता है, बाकी सभी बीमारियों पशु का टेम्परेचर हाई होता है। ये बच्चे एक ऐसी बीमारी है जिसमें पशु का टेम्परेचर लेस हो जाता है, पशु का टेम्परेचर गिर जाता है। कीटोसिस जो बीमारी होती है वो फैट या कार्बोहाइड्रेट के अपाचन के कारण होती है, सही से फैट या कार्बोहाइड्रेट के न पचने के कारण से बेटा क्या होता है, कीटोसिस नामक बीमारी बच्चे देखने को मिलती है। यहां पर देखो बेटा कुछ मुर्गियों की कुछ बीमारियां जो बच्चे किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली मुर्गी की बेटा बीमारी कौन सी है, पॉल कॉलेरा है, डायरिया है और कोराइजा है। वायरल डिजीज बेटा रानीखेत, मॉरेक्स और गंबोरा डिजीज, रानीखेत, मॉरेक्स एंड गंबोरा डिजीज। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्लास खत्म होने के बाद ही बच्चे इसको पढ़ना, क्योंकि ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता चुका हूं 30 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं बच्चे। प्रोटोजोआ या प्रोटोजोअल डिजीज होती है बेटा वो कॉक्सीडियोसिस इंपॉर्टेंट डिजीज है, कॉक्सीडिया प्रोटोजोआ के द्वारा बच्चे फैलती है, कॉक्सीडियोसिस कॉक्सीडिया प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है। आगे देखो बेटा
रानीखेत डिजीज जो है बेटा आप जानते हो, रानीखेत बीमारी वैसे तो बेटा, अच्छा बेटा बच्चे ये रानीखेत नहीं है, ये बेटा न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी डिजीज है, मतलब पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग है, जिसमें सबसे पहले रिकेट्स आता है, सूखा रोग बेटा बोला जाता है, विटामिन डी की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चे, ये टेबल सारी ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिकेट्स को बेटा सूखा रोग कहा जाता है विटामिन डी की कमी से। कल ट्वेल्व पैरालाइसिस, इसमें क्या होता है पैरालाइज जो हो जाता है पशु, लकवा मार जाता है, ये विटामिन बी टू की कमी से होता है। बच्चे क्रेजी चिक विटामिन ई की कमी से होता है, इसमें पशु एक दूसरे के पंखों को नोचने लगता है, क्रेजी मतलब पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। पैरोसिस मैंगनीज की कमी से होता है, पंखों का लटक जाना झुक जाना बेटा। पैराकीटोसिस जिंक की कमी से होता है। स्किन डिसीज या आई डिसीज बेटा बी टू की कमी से, बी टू डिफिशियंसी होती है। पिगलेट एनीमिया आयरन डिफिशियंसी। पीका डिसीज फॉस्फोरस, सॉरी बेटा पी की कमी से, फॉस्फोरस की कमी से। और ऑस्टोमेलिका जो है बेटा विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण होता है। बच्चे इनको बहुत अच्छे से आप याद रखना, स्क्रीनशॉट आप लेते चल रहे हो, आप बाद में इनको पढ़ोगे तो सब कुछ चीजें आपकी बेटा यहां से क्लियर होने वाली है। ठीक है बच्चे, आगे देखो बेटा, देखो बेटा डिस्टोकिया इज अ डिफेक्ट इन पास्टराइजेशन। डिस्टोकिया क्या होता है बेटा, बच्चे का फंस जाना, बच्चे जन्म के समय आपने कभी सुना होगा बेटा बच्चा फंस गया गर्म नाल में फंस गया बेटा, इसको क्या कहा जाता है डिस्टोकिया कहा जाता है। ये बेटा पास्टराइजेशन यानी कि बच्चे जन्म के समय होने वाली बीमारी। फीड प्रोटीन्स कंटेंट ऑफ गुड लेयर शुड बी 18 to 20। बच्चे वो कह रहे हैं कि जो अच्छा लेयर है गुड लेयर के लिए खाने में जो प्रोटीन का कंटेंट होना चाहिए बच्चे वो 18 से 20% होना चाहिए। दूसरा देखो बेटा द एडिशनल कंसंट्रेशन मिक्सचर मे बी गिवन टू मिल्किंग काउ एट द रेट ऑफ 1 kg ऑफ एवरी 3 liters ऑफ मिल्क एंड बफेलो इज 1.0 kg फॉर 2.5 liters ऑफ मिल्क। बच्चे वो कह रहे हैं कि अगर हमें कोई पशु से हम दूध ले रहे हैं तो उसको जो आहार देना चाहिए उसमें कुछ एडिशनल आहार, कुछ एक्स्ट्रा आहार देना चाहिए। वो गाय को 1 liter दाना अलग से देना चाहिए 3 liter दूध उत्पादन पर, जबकि यही भैंस को 1 liter दाना 2.5 liter दूध उत्पादन पर देना चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चे, रेड कॉर्निश इज द बेस्ट ब्रीड ऑफ पोल्ट्री फॉर मीट प्रोडक्शन। बच्चे पहले ही बता चुके हैं कि कॉर्निश जो नस्ल है वो सबसे भारी नस्ल होती है और जो मीट प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। देखो बच्चे अभी कोई डाउट्स, कोई समस्या, कोई बातचीत है बेटा तो लिख लीजिए क्योंकि ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को बाइंड अप करेंगे। बच्चे देखो ड्राई मटेरियल रिक्वायरमेंट फॉर डेली कैटल इज 2 to 2.5 kg ऑफ बॉडी वेट। बच्चे समझेंगे इसमें थोड़ा सा करेक्शन करो बच्चे, ड्राई मटेरियल ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर डेली कैटल इज 2.5 to 3%। 2.5 to 3% कर लो बच्चे, 2.5 फॉर काउ एंड 3% फॉर बफेलो। ठीक है बच्चे, आपको बेटा पूछा जाए कि गाय के लिए कितना ड्राई मटेरियल देते हैं, कितना परसेंटेज देते हैं, टू 2.5% या 100 kg पर 2.5 kg सूखा। यही तो बच्चे भैंस को 3% या 100 किलो पर 3 kg शुष्क पदार्थ दिए जाते हैं। मैटिंग ऑफ गिर एंड जर्सी कैटल इज नॉन एज क्रॉस ब्रीडिंग। बच्चे वो कह रहे हैं गिर का और जर्सी का अगर आप क्रॉस कराते हो तो उसे क्रॉस ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। बच्चे ये तो आपको पता है क्योंकि ये नस्ल अलग हो गई, ये नस्ल अलग हो गई बच्चे, और जब दो अलग अलग नस्लों का क्रॉस कराते हैं तब उसे बेटा क्रॉस ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है। बेटा देखो ग्राउंडनट केक या कॉटिनस सीड केक इज यूज्ड एज प्रोटीन सप्लीमेंट ऑफ कंसेंट्रेटेड मिक्सचर। बच्चे वो कह रहे हैं कि किसी भी गाय के या भैंस के खाने में हम प्रोटीन के रूप में ग्राउंडनट केक या कॉटन केक का उपयोग बच्चे करते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा आज की क्लास यही बाइंड अप होती है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करना ना भूले बेटा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते जिससे आप जैसे और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाए, एवं बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें
पास लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन, कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बच्चे मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।